गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपात् सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदादौ संकीर्तनैककुतरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपादौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कृतिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीर्तास्तिकामादितरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणापरासे हे रूप दुर्गत जने दयावलोकय। हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मति दयांगवरा। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। यन् प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद सविवरहाद्भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मरि गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मरि शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजों के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, भगवान अजन्मा है। लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लेते हैं? कृष्ण कहते हैं अगर मेरे जन्म कर्म को कोई सही सही समझ ले, कहते जन्म कर्म चरण दिव्यम, मेरे जन्म कर्म अप्राकृत और अवलौकिक है। हे अर्जुन अगर सही सही तत्वतः अगर कोई समझ ले फिर तो शरीर छोड़ने का बाद फिर वो व्यक्ति जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। अभी प्रश्न होता है
कृष्ण का अजन्मा है, फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया? इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। मैं आपको 10-12 काल में बताऊंगा, ठीक है, और कल मैं आपसे सुनता रहे सुनता किसको याद रहे, ठीक है। एक एक बात याद रखना, कम से कम एक एक बात याद रख लेना, फिर 10 बार सबको एक एक याद हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले अजोपी कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। बोले हे अर्जुन, जब जब इसी जगत में अधर्म छा जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी वेद साधु संत स्त्रियों को ऊपर अत्याचार होने लग जाती है, तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। ये पहला कारण याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं? ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले भक्तों को ऊपर में कृपा करना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण जन्म हुए, तब तक कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, तभी तो हम लोगों ने उत्सव मनाए, तभी तो अभी 2-3 दिन तक कृष्ण कथा सुनेंगे। अगर भगवान जन्म नहीं होते, फिर उनकी क्या जन्मोत्सव मनाते, फिर उनकी कथा हम थोड़ी सुनते, फिर बैठ बैठ के नाती पोती दुनियादारी संसार की बात करते। इसलिए भगवान भक्तों को बल में कृपा करने के लिए प्रभु जगत में अवतीर्ण होते हैं। ये 2 कारण हो गया। तीसरा कारण है कि जो देवकी और वसुदेव, ये पूर्व जन्म में पृष्टि और सुतप राजा रानी थे, लेकिन ये दोनों ने विषय भोग नहीं किया। शादी के बाद में भगवान नारायण की कठोर तपस्या की और पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे, सूखे पत्ते खा करके 10,000 साल भगवान बोले भैया क्या चाहिए? बोले प्रभु आप जैसे मेरे उदर के लाला चाहिए। बोले मेरे जैसे तो लाला कोई होते नहीं, मेरे जैसे तो मैं ही होता हूँ, मेरे जैसे तो कोई और है ही नहीं। इसलिए जिनको उपनिषद ने बताया असमर्थ तत्व न तत् समस्या अधिक दृश्यते। बोले भगवान की ऊपर की बात छोड़ दो, जगत में ठाकुर के बराबर भी जगत में कोई नहीं हो सकते। इसलिए भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ, अगले जीवन में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तेरे घर। वही कृष्ण सुतपा ये देवकी वसुदेव रूप में इसी जगत में आए। ये एक कारण। कितना कारण हो गया? नहीं आप लोग फिर नहीं गए, 3 हो गया ना। कल मैं पूछूंगा जी, अच्छे तरह से सुनो और मेरे को बोलना। इसलिए चौथा कारण बताए ये द्रोण और धरा। ये दोनों भी ब्रह्मा जी की भक्ति की। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म लेता है, मैया उसको लाड लड़ाती है, दूध पिलाती है, पलना में झुलाती है, अंगुल पकड़वा करके टुकुम टुकुम करके चलाना सिखाती है, कभी अगर नटखर कर थप्पड़ भी मारती है, सांसने भी करते हैं, कहते मैं चाहता हूँ मेरे गर्भ से आप स्वाभाविक रूप में जन्म लो और मैं आपको मैं पलना में झुलाऊ लाड लड़ाऊ, मेरे को प्रभु ने बरदान करोगे? ब्रह्मा जी तथास्तु बोलती। इसलिए मथुरा में तो कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन कितना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन आनंद किसको भयो है? वसुदेव को भयो ना, नंद को भयो है, नंद को भयो है। इसलिए कृष्ण तो प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन पल्ले में झुलाया किसने, उत्सव मनाया किसने? ये श्री नंद और यशोदा है। इसलिए कभी द्रोण और धरा, ये नंद और यशोदा रूप में ये द्रोण धरा ये आए, ये 14 कारण है। कहते पंचमा कारण क्या है? बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता ये वनवास में गए थे, सुपर्णखा जब राम को देखा क्या सुंदर है, उनकी सुंदरता को देख करके वो पागड़ी बन गई और बड़ी प्यारी अप्सरी जैसे रूप धारण करके आए और भगवान राम को बोलते
मैं इतनी सुंदर है ना, ठाकुर तेरे को वैसे सुंदर बना, हमारा जोड़ी बड़ी प्यारी है, मेरे से ब्याह कर ले। इतने में बोले मेरे तो ऑलरेडी एक सीता है, हैं ऑलरेडी एक सीता है मेरी। इतने में लक्ष्मण आए, बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले भैया ये भी तो काम सुंदर नहीं, ये तो बड़ी सुनीला है, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ। बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। लक्ष्मण के पास में गए, बोले लगता है अभी तेरी पत्नी है नहीं। बोले आपका क्या कष्ट है? बोले कोई कष्ट नहीं, आप मेरे से शादी कर लो। बोले अभी अभी भैया से तो कुछ बोल रही थी, अभी अभी भैया से कुछ बोल रही थी ना। बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, इसलिए तुम मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोले ये बताओ तू दासी बनना चाहते ना रानी? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, अगर मेरे से शादी करोगे ना फिर सेवा करते करते थक जाओगे, कहाँ रानी बनने की, तो स्वप्न देख रहे जा प्रभु के पास में जा। फिर राम को पास में आई, फिर राम इनकार कर दी। इतने में सुपर्णखा को बड़ा क्रोध आया, बोले तुम्हें जानते हो मैं कौन हूँ? रावण की मैं बहनी हूँ, मैंने प्रार्थना करने के लिए नहीं आई, अब ये सीता जी को जिंदा जिंदा मैं खा जाऊंगी, फिर तो शादी करोगे? इतने में सीता को खाने के लिए गई तो लक्ष्मण को प्रभु इशारा किया, उसको नाक काट दिया लक्ष्मण। बोले भैया नाक क्यों काट दिए? शादी नहीं करना भैया, मत करो, एक स्त्री के नाक क्यों काट दिए? कहते जो लक्ष्मण ये गुरु। बोले गुरु का क्या काम है? बोले शिष्य को उपयुक्त बनाकर ठाकुर को सेवा करे। लक्ष्मण समझ गए इसने भगवान को अपना हृदय में बैठा चुकी है, ठाकुर भी इनको स्वीकार कर चुके हैं। जो भगवान राम का बने ना फिर और किसकी बन करके नहीं रहे। एक स्त्री इतने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसको ना काट दो, दुनिया में कोई पूछेगा फिर? बोले तू और किसकी बन करके नहीं रहना, तो कन्या जी बन कर रहना। इसलिए वही सुपड़े घात कर कृष्ण लीला में फिर ये कुबड़ी बन करके आती है, कुब्जा बन करके आती है, फिर हमारे प्रभु कृष्ण फिर उनको स्वीकार करते हैं प्रभु जी। कहते ये एक कारण है, कितना हो गया? पांच हो गया है। छठवां कारण बताए, बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में, राम ने कहा प्रभु वशिष्ठ जी को कहा, विश्वामित्र जी को बोले थोड़ा आदेश दो, थोड़ी सी हम जनकपुरी दर्शन करके आए। बोले जनकपुरी दर्शन करना नहीं, जनकपुरी को दर्शन दे करके आओ। अभी राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या सुंदर जोड़ी, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, एक पीतांबर पहने और एक नीलांबर पहने, दोनों उसका धनुष बाण, मानो ऐसे लग रहा था मानो दिन में ही चंद्र सूर्य एक साथ में प्रकट हो गए, जैसे तो मतवाला हाथी जैसे। जिस गली में जाए उसी गली में हला मच जाती है। बोले श्री राम लक्ष्मण की जिस गली में जाए उसी गली में हला मच जाए, यहाँ दो सुंदर लड़के आए। अभी जितने सब कुंवरिया थी ना, सब सीता जी की सहेलियां, कोई झरको से देख रहे थे, कोई छत के ऊपर से देख रहे थे। अभी प्रभु राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी सर उठा करके पराई स्त्रियों के ऊपर कभी उन्होंने नजर नहीं डाली, हर समय उन्होंने जवाब मिली, इसलिए हर समय वो सर को नीचा करते हुए चलते थे। अभी छत के ऊपर में भी कुछ किशोरियां देख रहे थे, लेकिन प्रभु तो सर को नीचा करके चल रहे थे, उनका दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में ही जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना, थोड़ी सी खास है, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर से देखे तो थोड़ी दर्शन हो जाएगा, लेकिन राम तो कभी सर उठाकर देखते नहीं कभी किसको। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले लक्ष्मण कौन? गुरु। बोले गुरु का काम क्या? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण बड़े दयालु, गुरु बड़े दयालु होते हैं, तभी तो जीव को ठाकुर तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मण प्रार्थना किया, बोले प्रभु देखो आपका जो भक्त लोग है ना, वो छत के ऊपर आपको दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ी ऊपर देखो। बोले लक्ष्मण ये मायापुरी है जनकपुरी, खबरदार इधर उधर मत देखना, सर को नीचे करके चलो, इधर उधर मत देखा करो। और थोड़ी दूर गए, फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ा देखो ना,
अगर ठाकुर जी को गुरु जी प्रार्थना करे फिर गुरु जी की बात ठाकुर को मानना पड़ता है। इसलिए राम ने थोड़ी सी ऊपर देखे, देखते ही जो किशोरिया देख रही थी प्रभु राम का रूप देखो तो सब कुछ बेहोश हो गया। जब उनको होश आए ना सबके राम को पीछे पड़ के हमसे ब्याह कर लो शादी कर लो, राम और लक्ष्मण अब तो शादी है, तेरे को पहले मैं मना कर रहा था इधर उधर मत दिखा कर अब तुम शादी कर। राम ने कहा देखो ये रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, केवल सीता के सिवाय और मैं किसी को शादी कर नहीं सकता हूँ, तुम लोग सबके सब तो आपस में गोपी बन कर गया, फिर तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। ये है कारण, कितना हो गया छह हो गया। सप्तम कारण बताए कल आप लोग ने बामन अवतार को देखे, जब बामन देव बलि महाराज के घर में आए उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। अभी माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर कोई सुंदर किसी बच्चे को देखना उनकी इच्छा करते उसको हम गोद मिले और उसको हमें प्यार दे, ये माताओं का एक वात्सल्य रस के स्वभाव है। भगवान बड़े सुंदर थे, ठाकुर जी तो बड़े प्यारे थे देखने में, उनकी बेटी के मन में इच्छा हुई ये अगर मेरे लाला बन करके आता है ना मैं तीन बार में गोद में लेकर उसको मैं प्यार देती, उसको मैं लाड लड़ाती। ठाकुर जी सबको इच्छा को पूरी करते। ठाकुर जी अगर ना जिसकी भावना रही जैसी हरी मुहूर्त देखी दीदी तैसी, भगवान समझ गए बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तुम्हारी लाला बनकर भी आ जाऊंगा, लेकिन कृष्ण लीला में मैं लाला बनकर भी आऊंगा मैं तेरे। लेकिन जब उन्होंने दो पग में सब कुछ ले लिए अभी तीसरे पग रखने का कोई स्थान ही नहीं, उन्होंने करुण को बुलाए बोले उसको नाग पास बंधन में बांध दो। जब बांध दिए अभी वो रत्नमाला सोच रही है बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सर्वस्व तो ले ही लिया फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले देख अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को दूध क्या पिलाऊंगा तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा, बोले कोई बात नहीं बेटा भी बनूंगा जहर पी लूंगा। फिर कृष्ण लीला में वो कौन बन करके आती है, क्या बन कर आती है बाबा यहाँ पर सब पंडित बैठे इसलिए ये पुतना बन करके आई। फिर ठाकुर जी को गोद में भी ले ली, ठाकुर जी ने स्तन नहीं उसकी जहर भी, ठाकुर जी उसकी स्तन के जहर भी ली, कितना कारण हुआ, कितना हो गया सात कारण हो गया। बोले अष्टमा कारण बताए हैं, अष्टमा कारण बताए बोले जिस समय ये धोबी हैं, जिस समय अब जानते हो रामायण एक धोबी ने गई थी अपना पिया आते समय हो गया लेट, उसको बीच में एक नदी पार करना पड़ता था, उसी समय हो गया शाम रिमझिम बारिश हो रही थी, केवट ने इनकार कर दिया रात को मैं पार नहीं करा सकता हूं, उसको मजबूरी में एक रात वहां बिताना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई पति ने पूछा दूसरी रात में तुम कहां थी, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं राम नहीं रावण सीता को उठा करके ले गया, एक साल बाद में आई और प्रभु राम बराबर आसन में बैठा दिया, मैं राम नहीं हूं मैं तेरे को मैं स्वीकार कर लूंगी, रात जहां बिताएगा ना जिंदगी वहीं पर बिताएगा। किंतु इसको पता ही नहीं था जो रावण जिस सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो माया सीता थी, वो असली सीता नहीं, क्योंकि जो सीता है ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी, रावण उनको उठा गया क्या वो देख भी नहीं सकता है, उनको छुएगा क्या छुएगा तो जल करके राख हो जाएगा हैं। इसलिए आप लोग रामायण देखे होंगे रावण आने से पहले सीता को उन्होंने अग्नि को पास में दे दिया, वो जो सीता थी वो नकली सीता थी, लेकिन इसको तो पता ही नहीं हैं, धोबी को तो पता ही नहीं, तो उन्होंने बोले वहीं पर रात बिताओ। अभी उन्होंने उसको जब त्याग इनको त्याग इतने में जब ये बात को राम ने सुने इन्होंने सीता को हर समय के लिए उन्होंने सीता को इन्हें त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया, बोले जगत और माताओं को शिक्षा देने के लिए, जगत के माताओं को ये चीज की शिक्षा देने के लिए दिया है हैं, भविष्य में बहु बेटियां सती बनकर रहे सती बनकर रहे इसलिए प्रभु ने इस चीज को उन्हें शिक्षा दिए है। अभी जब उन्होंने सीता को त्याग दी भगवान राम उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए,
वशिष्ठ जी ने कहा देखो बगैर पत्नी के तुम यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए तेरे पिता तो तीन तेरी शादी किया ना, कौशला कैके सुमित्रा तो और एक शादी कर ले। राम बोले नहीं, मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? सीता पवित्र है, सीता पवित्रता सीता है और उन्होंने मर्यादा को सिखाने के लिए सिखा दिया है। इसलिए जो पुरुष लोग है शादी करे तो अपना पत्नी को ही साथ में रहे, दूसरों को साथ में नहीं, ये प्रभु जगत को शिक्षा देना चाह रहे थे। बोले और कोई उपाय बताओ। बोले जो क्षत्रिय है सोने की पत्नी बना करके सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में बैठा करके तुम यज्ञ कर सकते हो। बोले हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु ने 11,000 साल तक राजत्व की, हर साल एक एक यज्ञ करते थे, हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी और वशिष्ठ जी उनका अंदर में प्राण संचार कर देते थे। अभी वो सीता साक्षात सीता बन जाती थी। अभी प्रश्न है भैया इतने सीता गए कहाँ पर, वो सीता सब गए कहाँ? पर ये सब के सब द्वापर युग में जब कृष्ण आए ना, ये सब के सब जितने सीता, ये सब के सब कृष्ण अवतार में ये गोपी बन करके आते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो देखो एक चीज को समझो, ये जो कृष्ण है ना ये 16 कला में परिपूर्ण कृष्ण है। ये कृष्ण पूर्ण होने का नाते दूसरे दूसरे अवतार में जिन लोगों ने जो अवतार ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब कृष्ण अवतार रूप में आए प्रभु सबको स्वीकार किया। एक चीज को समझो, कृष्ण ऐसे के ठाकुर है, आप इनको पास में किसी तरह से एक बार आ जाओ और कृष्ण को एक बार बोल दो प्रभु तू मेरे और मैं तेरा, एक बार केवल बोल दो, कृष्ण किसको नहीं छोड़ते। कृष्ण कुबड़ी को भी स्वीकार किया, सुपर्णखा को स्वीकार किया और उनने सबको ठाकुर जी स्वीकार कर लिया। इसलिए कहते भैया भक्ति करना ना, बाकी बिहार की भक्ति करो, किसी अवस्था क्यों नहीं हो तुम्हारी, एक बार उसकी शरण में आओगे ना तेरे को मैं तेरे को वो ग्रहण कर लेगा, वो छोड़ेगा नहीं किसको। लेकिन दूसरे दूसरे अवतार में थोड़ी अगर इधर उधर करोगे ना तो वो छोड़ देंगे, भैया तुम जा। लेकिन कन्हैया किसको नहीं छोड़ेगा, कन्हैया सबको अपना लेना है। इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करो, बस बाकी बिहारी जी की भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ कितना कारण हो गया, अभी भी 8-10 पूरी नहीं हुई, आप लोग तक गिन नहीं रहे सही से। हाँ और एक कारण बताए, कहते वेदों का जो मंत्र है, हाँ वेद का मंत्र, ये लोग भी भगवान की कठोर तपस्या की। अभी कृष्ण दर्शन दिए, बोले भैया बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु ये गोपी जैसे प्रेम करती थी गोपियां, हम चाहते हैं गोपी रूप में आपको प्रेम करें। कृष्ण ने कहा नहीं और कोई चीज मांग लो, ये गोपी भाव बड़ा दुर्लभ वस्तु है। बोले प्रभु हमें चाहिए तो यही चीज चाहिए। भगवान दयालु बोले ठीक है, तुम लोग द्वापर युग में सब के सब गोपी बन करके आओ, फिर तुम लोग को साथ में फिर दास रचाऊंगा। इसलिए कृष्ण ने ये जितनी गोपियां हैं ना, ये कोई लड़की फड़की नहीं है, ये लड़की फड़की कोई नहीं है, ये सब के सब वेद के मंत्र हैं, ये सब के सब गोपी बन करके आए। कहते कितना कारण हो गया, 9 कारण हो गया। 10वां कारण बताए, जब भगवान दंडकारण्य में गए, बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र की, लेकिन उनके मंत्र की सिद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन प्रभु राम जब आए और राम से आते एक ही है, अभी राम को देखकर उनको श्याम भी याद आए, ये गोपियों ने प्रभु राम को पति रूप में प्रार्थना की, प्रभु ने बोले नहीं तुम सत्य सब कृष्ण अवतार में गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगी। वो जो ऋषि लोग थे ये सब के सब गोपी बन करके आए। इसलिए ऋषि चरी श्रुति चरी वेद के मंत्र ये गोपी नहीं,
ये कठोर तपस्या करके संत से गोपी बन करके आए, नहीं तो शंकर भी गोपी बन करके आते हैं ना, गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर भी आते हैं। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, बोले कृष्ण की अभिन्न स्वरूप राधा रानी, और राधा जी की एक एक जो भाव है वो एक एक गोपी रूप धारण किए है, एक एक भाव ही ये एक एक गोपी रूप में कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। इनका नाम गोपी क्यों, बोले को मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है बिना, जो इंद्रियों को द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये गोपियां हैं। इसलिए हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बताए, कृष्ण आए तो कृष्ण क्यों आए, याद रहेगा कल मेरे को बोल पाओगे, कौन कौन बोले हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रही, इतना मैंने दिमाग मारे कोई हाथ नहीं उठा रही, ठीक है कल मैं पूछूंगा आपको क्या क्या याद है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गत कल्या हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर के फिर छोटे बालक बन जाते हैं, फिर वसुदेव महाराज उनको कहाँ ले जाते हैं, गोकुल ले जाते हैं है? आज हम लोग ये सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके घर जाए। कल तो मथुरा की कथा सुने थे, आज हम गोकुल की कथा सुनेंगे। कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी उनका नाम था श्री परिजन बाबा, कहते उनके पांच बेटे थे, तब की नई बात है आप लोग सुनो, इसलिए उनकी कथा तो बहुत सुना होंगे लेकिन ये कथा नहीं सुना होंगे। इसलिए उनको पांच बेटे थे, एक उपानंद, एक सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद, ये पांच भाई है। अभी जब भाई लोग उनको बच्चे जब बड़े हो गए, शादीशुदा हो गया, पहले ये नियम होता था चार आश्रम में, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक गुरु गृह में जाते थे, 25 साल खत्म होने के बाद फिर गुरुदेव प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे। जिसको ये ज्ञान होता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते और इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके ये जन्म मृत्यु का चक्र से हम निकल सकते हैं। फिर वो संसार में नहीं आते थे, बोले गुरु जी आपकी चरण की सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हम अपना मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। लेकिन जिनकी ज्यादा ही संसार की इच्छा होता था, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते थे, गुरु जी कहते थे बेटा घर में जाओ, लव मैरिज नहीं करना, तुम्हारी पिता माता जैसे परिवार तुम्हारी खानदान के अनुरूप तुम पिता माता की इच्छा से शादी करना है, पिता माता की इच्छा से शादी करना। पहले इतना ही अपना मनमर्जी शादी नहीं करते थे, करते थे पहले, आप लोगों ने जब शादी किया पति को देखने के लिए गए थे, नहीं कोई पति को देखने के लिए गए नहीं, पत्नी भी पति को देखने के लिए नहीं आए, पिता माता जहाँ पर देख करके शादी करवा दिया हमने वहीं पर आंख बंद करके शादी कर लेते थे और जीवन पूरा की पूरा बीत जाते थे, बीत जाते थे नहीं। लेकिन अभी ऐसे नहीं, फोटो दिखाने पर नहीं होगा, ये गोरी नहीं काली, फोटो से पता नहीं चलेगा कितने फुट लंबी है, क्या लिखी पड़ी, कुछ दिन घूम करके देखे पता नहीं क्या क्या कितने क्या क्या कितने कर, तभी नहीं टिकती, तभी नहीं टिकती है। लेकिन पहले कोई नहीं जाते थे देखने के लिए, पिता माता जहाँ दे दिया वहीं पर शादी करते हुए अपना जीवन को सुखमय में अपना जीवन को बिता देते थे। लेकिन अभी वो चीज नहीं रह गई, इसलिए कहते कहते इसी जगह पर कहते आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई की लीव, फिर जाकर के कोर्ट में जाकर चक्कर काटते हैं, कोर्ट में चक्कर काटते हैं। इसलिए बल देख बेटा तू अपना मन मर्जी शादी नहीं करना, पिता माता जहाँ करवाएंगे वहीं पर करना। और कितना दिन तक, 50 साल तक घर गृहस्थ बनाओ, संतान को जन्म दो, उनको लालन पालन करो। बोले 50 को बाद में फिर किया, बोले 51, उसके बाद में 51, 51 मतलब घर में नहीं वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ भजन करो। इसलिए उसमें 51, 52, 54 ये बन बन शब्द आता है। इसलिए भागवत कहता है 50 वर्ण ही वनम व्रज,
50 साल के बाद में और भर मंगल रहा। ये जीवन प्रभु जिस काम के लिए दिए हैं 84 लाख के जीवन के बाद में ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा में हम खड़े हुए हैं। इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करके हम अपना मुक्ति मार्गों को प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए 51-52 अगर भजन नहीं किया बोले 68-60-61-62-63 बड़े सठिया बनी जाओगे, फिर तेरे से कुछ होने वाले नहीं, फिर सठिया बनी जाओगे, फिर भक्ति भक्ति नहीं कर सकते हो। बांस जब कच्चा हो ना, अब जिधर टेढ़ा करोगे टेढ़ा हो जाएगा, और पक जाए ना वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा वो। इसलिए कि जो अंक है ना बड़े महत्वपूर्ण अंक है। हाँ, तब इनका भी कल्याण हो सकती है, सठिया बन जाओ इनकी कल्याण हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधर सत संगत पाई। अगर इसी उम्र में अगर संतों की अगर संगत मिल जाए वो सठिया को भाई कल्याण भी, ये सठ भी सुधर करके भगवान की भक्ति ये कर सकते हैं। केवल संत ही हमें परिवर्तन कर सकते हैं, डंडा मार मार करके वही समझा बुझा करके हमें प्रभु की भक्ति में वही लगा सकते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 बच्चों को बुलाए बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, शादी भी हो गई है, तुम्हारी पत्नी बच्चे भी हो गए, अभी हम जान बूझ करके संसार में टांग अड़ा करके रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम दोनों पति पत्नी वन में वृंदावन में जाए और अपना मुक्ति की मार्गों को प्रशस्त करें। बच्चे लोग राजी हो गए बोले ठीक है पिताजी आप भजन के लिए जा सकते हो। जो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम था गोपानंद, उन्होंने बोले मैं चाहता हूँ सबसे बड़े बेटे को मैं राज सिंहासन में बैठा करके मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा ने कहा देखो यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, ये नंदन है। ये किसमें है? ये नंद। नंद मतलब क्या? बोले आनंद नंद, सब कुछ आनंद। तो उन्होंने आनंद कैसे दिया? बोले नंद के आनंद भाई हो, उन्होंने कृष्ण का जन्म दिया ना, वो आनंद कल कृष्ण है, जो कृष्ण को भक्ति करेगा उसको आनंद मिलेगा। इसलिए इनका नाम श्री नंद है, सबको जो कृष्ण को जन्म दे करके सबको जो आनंद प्रदान की। अभी नंद बाबा को उन्होंने राज्याभिषेक कर दिए, अभी वो भजन करने के लिए जा रहे थे तो बच्चों ने बोले पिताजी कुछ प्रश्न का उत्तर दे जाओ। बोले पूछो क्या प्रश्न है? बोले पिताजी भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है ये मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? बोले बच्चों ये मानव शरीर का लक्ष्य है भगवत प्रेम। अगर जीवन में तुम प्रभु का प्रेम का अगर प्राप्त कर लिया समझो जीवन में तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर जीवन में तुम दुनिया की सारी चीज को प्राप्त कर लिया, दुकान मकान बेटा बेटी नाती पोती सारा दुनिया में सब चीज प्राप्त कर लिया लेकिन बेटे अगर कृष्ण प्रेम तुम्हें नहीं मिला समझो तुम कंगाल बन कर गए हो। इसलिए बुद्धि वादी आया जगत में हाथ पसारे जाओगे। इसलिए अगर जीवन में कृष्ण प्रेम मिल गया समझो जीवन में सब कुछ मिल गया, अगर ये नहीं मिला तो समझो जीरो ही है। जैसे एक मीरा कहती है एक सब्जी बनाओ उसमें सब कुछ डालो घी मसाला बढ़िया से बढ़िया चीज डालो लेकिन ऐसे एक चीज है जो सबसे कम पैसा की अगर उसको नहीं डालोगे ना वो सब्जी खा नहीं सकते। वो क्या है बताना? क्या है? अरे आप सब जानते हो। इसलिए मीरा कहती है नमक बिना व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बगैर वो जो सब्जी जैसे बेकार, सब कुछ डाले अगर नमक नहीं दिया खिला वे बेकार क्या बना दिया। लेकिन ज्यादा मसाला वसला तेल भी नहीं लेकिन नमक सही से हम रोटी उसमें रोटी खा लेंगे। इसलिए मीरा कहती है जीवन में सब कुछ तुम्हारे जीवन में लेकिन तुमको अंदर में कृष्ण भक्ति नहीं, बोले तुम्हारे जीवन है ना ये फीका जीवन है,
कि जीवन तुम्हारी फीका जीवन है, इसलिए जीवन पा करेगा अगर प्रभु का प्रेम को पा लिया, जीवन में सब कुछ पा लिया। बोले पिताजी ये बताओ हम लोग हर समय क्यों डरते रहते हैं, बेटा नहीं चले जाए, बेटी नहीं चले जाए, पैसा नहीं चले जाए, देखना हर समय हम डरे हुए संसार में। बोले जीव सत्य सब डरे क्यों है? बोले बच्चों ये पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, हमने पूर्व जन्म में जो जो कर्म कर दिया है, इसलिए ये प्रारब्ध की वजह से हम डरते रहते हैं। हर समय हम भीत है ये नहीं चले जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ये प्रारब्ध है बेटा। बोले पिताजी हमें जीवन में रक्षा कौन करेगा? बोले बच्चों जीवन में हम संत रक्षा करते हैं। संत रक्षा करते मतलब हमें सही मार्ग को दिखा करके प्रभु की भजन का जो मार्ग में ये संत लोग ही हमें ले जाते हैं, इसलिए संत ही हमें पालन करते हैं। बहुत उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न की उत्तर देकर उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। जब चले गए अभी चार भाइयों का तो बच्चे हैं, लेकिन अब कहाँ जा रहे थे? बाद में जाना, पांच मिनट जाना, ठीक, पांच बजे से पांच मिनट में जाना। इसलिए उन्होंने बोले हैं, उन्होंने बोले देखो चार बच्चों का तो संतान है, लेकिन केवल श्री नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं। इसलिए जो परिजन बाबा ने, आप लोग कोई नंदगांव गए हो, वहां पर एक आशीश्वर महादेव, इन्होंने श्री आशीश्वर, आशीष मतलब जो आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उन्होंने आशीश्वर महादेव की पूजा की। कहते मैं चार बच्चों का तो बच्चे केवल नंद का बच्चा नहीं, हे आशीश्वर महादेव हमें नाती दे दो। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले हे श्री परिजन बाबा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी नंद का ऐसे एक बेटा होने वाला है जिस बेटे से सारा दुनिया जगत में तुम्हारी नाम होगी, सारा दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। साधारण तुम्हारे नाती होने वाले नहीं, बहुत बड़े भगवान तुम्हारी नाती बन करके आने वाले, आकाशवाणी हुई। इसलिए जिनकी संतान नहीं होती है ना, अगर श्री आशीश्वर महादेव के पास में जाए, उनको अभिषेक करके उनकी कृपा से घर में संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए एक समय ब्रज में कुछ संत लोग आए, नंद बाबा को बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी सो करे फकीरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं, फकीरी मतलब संत, अगर कोई सच संत हो ना तुम्हें आशीर्वाद दे दे, कभी कभी तुम्हारी जो भाग्य बदल जाती है। संत कुछ बोल दे तुम्हारी भाग्य में लिखा हुआ, वही तुम्हारी भाग्य को बदला सकते हैं। जब उन्होंने बड़ी संत सेवा की बात तो बताए, नंद बाबा सोच रहे हैं भैया गंगा जब बहते बहते घर के सामने आ गई, फिर उसमें गोता क्यों नहीं लगा ले? बोले संतों कुछ देर ये गोकुल में रुक जाओ, यहाँ पर रोटी पानी की कोई कमी नहीं, भरपेट भोजन मिलेगा और यहीं पर डट करके भजन करो। संतों ने देखा भैया जो भोजन पानी मिल जाएगी कुछ दिन गोकुल में टिक जाओ। अभी संत लोग जहाँ रहते क्या करते हैं, प्रभु की कीर्तन भजन में मस्त रहते हैं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Hare Ram 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 Ram
पता चला नंद बाबा इसलिए संतों की सेवा कर रहे हैं घर में एक लाला की जन्म हो जाए। जब ये बात उनको पता चला, आपस में चर्चा कर रहे थे, इतना दिन से हम नंद बाबा की रोटी खा रहे हैं, अभी तक भी घर में लाला भयो नहीं। किसी ब्रजवासी ये बात को सुन करके नंद बाबा को बोल दी। नंद बाबा बोले, तुमने अपना कानों से सुना है? बोले, सुन करके तो आ रहे हैं, चर्चा कर रहे थे नंद के लाला कब है वो। बोले, भैया संत जब कह रहे हैं नंद के लाला कब है वो, फिर तो मेरे घर में लाला जरूर होएगा, क्योंकि संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। बोले, भैया रोज मालपुआ लड्डी की चमचम राबड़ी बाबा को खूब घुटवा, खूब खिलाओ बाबा को। अभी सचमुच से एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न होना कर कर सही हो जाती है। दोनों नंद जशोदा स्वप्न देखा, वो स्वप्न किया था, बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांग स्थले स्पयधार स्फुट मसौ क्रीड़ा मयाम लोक्यते। ये स्वप्न था। इतने में स्वप्न देखते ही दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा बोले, जशोदे जशोदे, मैंने एक बड़ा प्यारा स्वप्न देखा है। स्वप्न नहीं लगा सचमुच से। मैया जशोदा बोले, मैंने भी एक स्वप्न देखी है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले, मैंने देखा तेरी गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा एक बालक पौड़ रहा है, और तेरी दूध पीते पीते दोनों धार से दूध बह रहा था, और उसका कुर्ता दिख रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक लाला है। मैया कहती, मेरी स्वप्न सुन लो। बोले, बता। बोले, मैंने भी देखा है कि श्याम रंग का बड़ा सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है, और कपड़ा खींच करके बोले, भैया मेरे को गोद में ले ले, भैया मेरे को दूध पिला दे। मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई बच्चा है। और उसी रात बना मैया जशोदा गर्भधारण की। अरे ब्रज में तो हल्ला हो गया। बोले, भैया संत सेवा की तो बड़ा प्रभाव है, ये 80 साल उम्र में जो उम्र बीत गई थी बच्चा होने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन इसी उम्र में भी मैया जशोदा गर्भधारण की। फिर तो बाबाओं को जय जयकार, जो रास्ता में देखे ना, बोले बाबा राम राम, वो बाबा नमस्ते, क्यों संतों का आशीर्वाद फल गया ना, हैं एकदम हल्ला हो गया बाबाओं की, बड़ा महिमा हो रही ब्रज में। इतने में पहले कोई मशीनी नहीं हुआ करता था, बेटा होगा ना बेटी होगा, लेकिन बड़ी बुढ़ी माताएं कुछ लक्षण देख करके बोल देते थे। एक बड़ी बुढ़ी गोपी बोली, बोले मैया लगता है तेरे पेट में लाला है। बोले, कैसे पता चला? बोले, तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, बोले इसका मतलब लाला होने वाला है। एक बड़ी बुढ़ी गोपी बोली, बोले क्यों माता जी, तुमने कुंवारी पण में जुड़मा केले तो नहीं खा ली? बोले, क्यों? बोले, लगता है तेरे पेट में दो बच्चे हैं। सचमुच से दो बच्चे थे, कृष्ण और जोगमाया, दो बच्चे थे उनके पेट में। एक इतने में जब गर्भ में बच्चा हो, माताओं को चटपट चीज खाने अच्छी लगती है। मैया बोली, देखो मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। बड़ी सुंदर गैया घी में, गैया घी डाल करके, गैया के दूध में काजू किशमिश डाल करके खीर बनवाए, और ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगवा करके श्री मैया जशोदा को खीर खिलाए। और बड़े सुंदर मैया जशोदा के सामने भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर को दिखा रहे हैं। देखो माताएं, ध्यान करो, ये आप लोगों के लिए है। एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब होता है गर्भ में जो बच्चे रहे, हमें उल्टा पुलटा फिल्म नहीं देखनी चाहिए। ये चीज को देखो, आप पहले पहले बच्चों को देखो, बड़े आज्ञाकारी होते थे। हम सारा दुनिया में जाते हैं, सब कहते बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं सुनता, क्यों? ये माँ की दोष है। आप लोग महाभारत को सुने होंगे, अभिमन्यु ने जब बोले चक्रव्यूह भेद कौन करेगा, अभिमन्यु बोले मैं करूंगा। बोले, तुमने सीखा कैसे? बोले, मेरे माँ सुभद्रा के पेट में जब था, एक दिन अर्जुन और मेरे माँ सो रहे थे, मेरी मैया सुभद्रा ने प्रश्न करती है अर्जुन को, थोड़ा चक्रव्यूह सुनाओगी? उन्होंने चक्रव्यूह की कथा सुनाई, लेकिन कैसे भेद करेगा उसको तो सुना दिए, वो वापस कैसे आएगा सुनाने जा रहे थे, इतने में सुभद्रा सो गए। अर्जुन बोलना बना बंद कर दिया। बोले, मैं चक्रव्यूह तो भेद कर सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। आप लोग ने जो प्रह्लाद महाराज की कथा दी है,
प्रहलाद जो बच्चों को बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बताए, तब बच्चे कह रहे हैं प्रहलाद जी हमारा जो गुरु जी है संध्या पर तो ये तो विद्या पढ़ाते नहीं, तू ये सब बात सीखी कहां से। बोले जिस समय मेरे पिताजी भजन करने के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए, उसी समय इंद्र मेरी माँ को पकड़ कर ले जा रहा था, इतने में बीच में नारद जी आए। बोले भैया कहाँ ले जा रहे हो, कया देखो। बोले मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं, इसका एक पिता हिरण्यकश्यप दुनिया में टहलका मचा दिया, अभी उसकी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा, अगर ये बच्चा अगर पिता और बेटा मिल जाए ना, मेरे तो हमको निकाल देंगे स्वर्ग राज्य से, ये बच्चे को मार करके मैं छोड़ दूंगा। बोले जानते हो गर्भ में कौन है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद महाराज, इसकी एक बाल भी कोई बंका नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने उनको परिक्रमा करके चले गए नारद जी अपना आश्रम में लेकर गए, और उनको बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने कथा सुनाई। बल उसी समय में माँ के पेट में था मैया स्त्री, सब बात को भूल गई, लेकिन मैं कोई बात को भूला नहीं, मेरे को याद है। आप रामायण देखे होंगे, जब माता सीता गर्भवती थी, एक दिन भगवान राम सारे संतों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने सत्संग करवाए, तब राम कहते सीते तेरे को पता है आज मैंने ये संतों को क्यों बुलाया। बोले क्यों, बोले तेरे पेट में अभी बच्चे हैं, अगर किसी समय तो सत्संग सुनोगे ना, बच्चे बड़े संस्कारी बन कर के आएंगे। वही लव कुश हुए, लव कुश देखे हो, कौन कौन लव कुश देखे हो टीवी में, और हाथ हाथ कोई नहीं उठा रहे, खूब देखे और हाथ नहीं उठा रहे, इसलिए आप लोग देखे होंगे ये लव कुश कितने विद्वान बने, कितने विद्वान ये लव कुश कितने विद्वान बने, कैसे बने, क्योंकि गर्भ में रहते समय उन्होंने ये सत्संग को सुने। इसलिए अगर गर्भ में बच्चा है, अगर माँ अगर गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, भागवत पढ़ती है, तो अच्छी चीज को पढ़ो, देखना वो बच्चा इतने इंटेलिजेंट बनेगा, इतने पिता माता की आज्ञा करेंगे, जब तक जिंदा रहेगा तब तक पिताजी की सेवा करते रहेगा। अगर गर्भ में बच्चे रहते उल्टा पुल्टा फिल्म डिस्को डांस देखोगे, फिर तो बच्चा गर्भ से ही दुष्ट बनकर आएगा, फिर तो इतने तंग करेगा दिन एक बार परेशान कर देगा। इसलिए ये गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ी संस्कार है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों का तो बच्चे हो गए, अपना बहुओं को ये बात समझाना, ठीक है ना, बहुओं को ये बात समझाना, गर्भ में बच्चे रहते समय गीता भागवत रामायण पढ़े, जिससे बच्चों के अंदर में अच्छी संस्कार बच्चों को पढ़ाए, और वो बच्चा जन्म लेकर के पिता माता की सेवा करे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने में मैया यशोदा बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर का तस्वीर पढ़ती देखती है, रामायण पढ़ती है, हाँ रामायण पढ़ती है मैया यशोदा। अभी नंद बाबा की एक बहन जिसका नाम थे सुनंदा, ये 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी है। बोले क्यों, बोले भैया की लाला बहुत होने वाले हैं, जब भैया की लाला होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगा, वो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी है सुनंदा, नंद बाबा की जो बहन थी। अभी घर का काम काज को बढ़िया से कर रहे, क्यों बढ़िया माल मिलेगा उनको, हाँ उनको 9 लाख की हार मिलेगी, सारे काम को ही कर रही थी। अभी ऐसे लग रहा था आज रात को किसी लाला की जन्म हो जाएगी, गांव में देखना पहले 8 बजे तक सब सो जिंदा ये जगे रहते थे, उसके बाद में सो जाते थे गांव में। बोले लगता है आज रात को लाला की जन्म होने वाला है, एक काम करो 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, पता नहीं कब लाला की जन्म हो जाए। अभी 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाए, मजरा दे दिया, ढोलकी दे दिया, है उनको चिमटा दे दिए, बोले बैठो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय Oh, yeah.
बारह बजे जिनको ड्यूटी लगवाया ना, जोग माया आकर के सबको सुला दी, कहाँ ढोलकी गिरी, कहाँ चिंता गिरा, कहाँ बजरा गिरा, जिसको बता नहीं, सबको सब बेहोश होकर पड़े हुए। इतने में वसुदेव महाराज पता नहीं कब आए मथुरा से, और उन्होंने बेटे को रख करके बेटी को लेकर चले गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा। एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा की नींद खुली, बोले भैया ये सबके सब सोए पड़े हुए, मैया यशोदा की क्या हालत देखो। उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा, मैया की गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है, लेकिन मैया यशोदा को होश नहीं। देखो आप लोग ने बच्चे जन्म दिया ना, देखना बच्चे जन्म देते समय इतने प्रसव पीड़ा होता है, इतने प्रसव पीड़ा सारा घर को जगा देती है, लेकिन कृष्ण जन्म हुए कोई कष्ट नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले क्यों? कृष्ण कौन है? ये आनंद का दरअसल स्वरूप है, इसलिए भगवान जन्म साधारण जीव जन्म होने पर कष्ट होता है, ये स्वयं आनंद कंद है, स्वयं रस स्वरूप है। उनको तो मीठी मीठी थोड़ी सी दर्द होगी, लेकिन पता ही नहीं चला बेटा हुई ना बेटी हुई, उनको कुछ पता ही नहीं चला, कब उन्होंने अदला बदला करके ले गए पता ही नहीं चला। इतने में सुनंदा ने जब देखा कि सुंदर बालक पौड़ रहा है, बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की जय, नहीं कहे कोई है और कोई जय कर रहे। अब जोर से कृष्ण जन्म हुआ उनका आनंद नहीं आया है, आया ना तो जय कर क्यों नहीं दे रहे? बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की जय। अभी उन्होंने बोले भैया पहला खबर तो नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नबला की हार मिलेगी, लेकिन नंद बाबा है कहाँ, ढूंढो तो सही। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचा, देखा नंद बाबा तो बड़े बूढ़ों को बीच में बैठे माला जप कर रहे थे, माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में छुरा कब आएगा, लाला कब आएगा, लाला कब आएगा, लाला बूढ़ा मर ना, कितने उन्होंने तपस्या जगह तपस्या दान किए, लेकिन अभी तक भी लाला नहीं भय, इसलिए सोच रहे थे लाला कब आएगा, लाला कब आएगा। इतने में सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गए, और जब इतना बोला नंद बाबा तो छलांग लगा दी, बोले बहन कहा भाई, बोले पहले बताओ मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा क्या बताओ, फिर मैं बताऊंगी। बोले देख नबला की हार ले ली। बोले बाबा बात इतने बड़ी है ना, जिसको सामने नबला की हार भी फीकी। बोले क्या, ये नबला की हार है और इसको सामने फीकी? बोले बाबा बहुत बड़ी बात है, बता और क्या दोगे? बोले ले कोई जमुना किनारे में जो गैया चलते ना, जितने जमनी जाकर तेरे नाम पर लिखवा देता। बोले बाबा बात इतने बड़ी, जिसको सामने ये जमीनी जगह तो भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? बोले और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का सारा चाबी काट, तू ले ले जो इच्छा खोल करके तू ले ले, लेकिन बता तो सही घर में कहा गए हो। बोले भैया बात इतनी बड़ी, जिसको सामने तुम्हारी ट्रेजरी का चाबी काट भी कुछ नहीं। बोले क्या बता रहे हो इतने बड़ी बात? बोले हाँ इतने बड़ी बात। बोले और क्या दोगे? बोले मैं आज तेरा ही हो गया, मैं आज तेरा हो गया, लेकिन बोल तो सही कहा गया है। बोले बाबा तेरे घर में लाला आयो है। बोले श्री नंद के लाला नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगा रहे, क्योंकि इतने सालों बूढ़े अवस्था में लाला आयो है। जब श्री नंद बाबा दौड़े, ब्रजवासी बोले बाबा जिंदगी में पहला बार लाला के मुख दर्शन करोगे, सारे ब्रजवासी आए तो सदज करते जा, बड़ी सुंदर बगलवती धोती उनको पहना दिया, बड़ी सुंदर गले में माला डाल दिया, तिलक लगवा दिया। बोले बाबा पगड़ी बांध दिया। बोले देखो अभी कैसे लग रहे? बोले भैया बहुत तो बढ़िया लग रहा हूँ, लेकिन दाढ़ी है ना थोड़ी अपनी सफेद है। बोले चिंता नहीं कर, उसको भी कलर कर देते हैं, उसको भी कलर कर दिया। बोले अभी कैसे? बोले चोखो लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ। बोले जा अभी। नंद बाबा ने जो लाला की मुख पहला बार दर्शन किया कृष्ण को, इतने प्रेम में गदगद हो गए, इतने उनकी आनंद हुई, उन्होंने मन मन में बोले ब्राह्मण और संतों को मैं 20 लाख गैया, उनको सिंह को सोने में बढ़वा करके, खूर को चांदी में बढ़वा करके दूंगा, और 7 तील का पर्वत, जो तील दान है ना, एक सटिला एकादशी होता है, तील दान को बहुत बड़ा दान मानी गई, मैं तील का पर्वत मैंने सारे ब्राह्मण संतों को दान दूंगा। बोले देखो ये संतों की आशीर्वाद से, ब्राह्मणों का आशीर्वाद से
आज मैंने लाला के मुख दर्शन किया, पहले संत ब्राह्मण को बुला और इनसे स्वस्ति वाचना पढ़ा करके लाला को आशीर्वाद दो। सारे साधु ब्राह्मण लोग आए और स्वस्ति वाचन पढ़े, बोले ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्ते सर्व जयस्ते सर्व कुतस्ते सर्व परावभव जैसा इंदिवर श्यामा हृदयस्तो जनार्दन। बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ के लाला को आशीर्वाद दिए, बोले एक काम करो जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो गए, पूरा ब्रज में उन्होंने ढिंडरा पिटवा दिए। अभी जितनी गोपियां ना वो छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुतरी बना करके रखे थे, नंद के लाला होगा तो बधाई देने जाएंगे। अरे जितने गोपियां थी सबके सब लहंगा चुनरी पर निकाले, बड़े सुंदर 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके और एक मटके में दही, एक में दूध, एक में घी, एक में मक्खन मिश्री लेकर के सर को ऊपर रख करके सबके सब बधाई देने के लिए आ रहे थे। जब आ रही थी गोपियां कान में कुंडल पहन रखी थी, ये जो कुंडल बड़ी जोर जोर से कुंडल हिल रहा था, बोले क्यों? बोले कृष्ण को बधाई देने से पहले तुम हमें छोड़ दो, पहले हम जाकर के कृष्ण को बधाई दे और अपना चोटी में सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करके रखी थी और एक एक फूल गिरते गिरते गोपियों के चरण में गिर रही थी। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण को बधाई देने जा रहे हैं उनके चरण की पूजा करनी चाहिए, अगर चोटी में रहेंगे तो फिर नदी में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिली जाएंगे, कृष्ण जब बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे फिर उनके चरण की स्पर्श हमें प्राप्त होगा। अभी जितना गोपियां थी ना सबके सब मैया जशोदा को बधाई दे रही थी। देखो गोपियां ध्यान से सुन, अभी मैं बोलूंगा मैया जशोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो, जोर से बोलना। अभी गोपियों का बात में गोपो का नंबर आएगा, इसलिए इतने जोर से बोला जैसे गोप तुम्हारे सामने हार जाए, ठीक है ना? बोले मैया जशोदा बधाई हो, बधाई हो। नहीं आनंद नहीं आया, कुछ तो चुपचाप ऐसे बैठे हुए, कुछ तो गोपियां बोल रहे हो, कुछ गोपियां चुपचाप बैठे हुए, जोर से बोले ताकत लगा करके, बोले मैया जशोदा बधाई हो। इसलिए मैया जशोदा बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज की गोपियां, ये बुढ़ी उम्र में भी मुझे लाला की मुख दर्शन करने को मिलो है, ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोग को लाला है। और जितने गोपियां थी अपना हृदय से आशीर्वाद दे रही थी, क्या बोल रही थी? बोले जुग जुग जियोरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जशोदा सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, जब चरण छोगे ना देखना वो हृदय से आशीर्वाद, लेकिन चरण छोगे तब तक आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम हो गया देखना कभी कोई चरण छूना नहीं चाहते, ऐसे करेगा घुटन पर हाथ, सर पर नीचे नहीं लगाएगा और ऐसे हाँ घुटन पर हाथ लगाएगा, नहीं तो हैंड सब करेगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है चरण छूना,
अब देखना अगर आप माँ की चरण छो देखो उसके हृदय से कितने हृदय से आशीर्वाद निकला, बेटा खूब फलते फूलते रहो, बेटा खूब जिंदा रहो, हैं खूब, तभी तो माँ के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा ना। लेकिन अभी धीरे धीरे ना हमारी हिंदू संस्कृति खत्म होती जा रही है, अभी सबके सब अंग्रेजी संस्कृति हान सब करना और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन नहीं ऐसे नहीं, सबर उठ करके पिता माता की चरण हमें छूनी चाहिए, तभी हृदय का आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए सब जितने ब्रज भूमियां सबके सब लाला को सबके सब ये आशीर्वाद दे रहे थे, अभी सबके सब आ गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति बाकी है। बोले कौन? बोले विश्वभर महाराज। ब्रज में दो राजा है, एक विश्वभर एक नंद, दोनों में बड़ी प्रीति है। कहीं जाते थे ना, ज्यादा दूर नहीं रहते थे, आस पास में रहा करते थे। जब नंद बाबा गोकुल में रहे और रावल में श्री विश्वभर महाराज रहे, जब नंदगांव में नंद बाबा रहे वृषभान महाराज बरसाना में रहे, वो आस पास में रह करते थे। अभी उन्होंने वृषभान महाराज को भी नौता दिया, अभी वृषभान महाराज अभी आए नहीं, लेकिन देखते देखते देखा वृषभान महाराज उनकी पत्नी कृतिका सुंदर भी सभा में प्रवेश किए, और कृतिका मैया वरानी है, बड़ी सुंदर लग झट श्रृंगार करके वो आई है। तीन चार मटकी में एक दही दूध मक्खन और उसमें घी मिश्री लेकर के प्रवेश की। जब प्रवेश की, अभी नंद उत्सव प्रारंभ होगा, नंद उत्सव प्रारंभ होगा, इतने में एक गोप ने आकर के कृतिका मैया ने अपना सर में जो मटकी थी मटकी को मारी, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से पूरा के पूरा कृतिका मैया स्नान कर ली। जब स्नान कर ली, एक होता है दधिकाती, दधिकाती मतलब होता है दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगाते हैं, इसको दधी दादी कहते हैं, एक दूसरे को ऊपर में लगा रहे थे और वहाँ इतने कीचड़ कीचड़ हो गया, सबके सब फिसल फिसल करके एक दूसरे को ऊपर गिर रहे थे एक दूसरे को ऊपर, और मक्खन ढेले के ढेले उठा करके एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे थे। इतने में एकदम एक बड़ी बड़ी गोपी, उसकी एक भी दांत नहीं थी, वो तो ऐसे करके देख रहे थे। बोले भैया बड़े जोर की नंद महोत्सव है रहे, एक गोप ने क्या क्या उठाया, एक मक्खन का डेला, उसकी तो एक दांत नहीं थी, उसको मुंह को लक्ष्य करके सीधा मारे मारे तो मुंह में लगते ही ना, दांत थी नहीं, पूरा सीधा सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अनंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अनंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अनंत के आनंद भयो कन्हैया लाल की। जो आंगन बहुत बड़ी आंगन, राजा का आंगन है ना, लेकिन इतने दूध दही लाए थे, पूरा उनके आंगन आंगन में केवल दही दूध से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था एक खीर समुद्र है। नंद बाबा दिखने में कैसे इतने लंबे चौड़े गौर वर्ण थे, और उनको बीच में खड़े कर दिए, और नंद बाबा कमर में एक फेटा बांध के रखे थे, तो फेटे को दोनों तरफ में, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप, दोनों तरफ में पकड़ लिए। देखो बड़े सुंदर वर्णना करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, देवता दैत्य मिथि करके ये लवण समुद्र को मंथन किया, लेकिन आज ये लग रहा है मानो आज खीर समुद्र मंथन होने जा रहे हैं। नंद भवन मंदराचल पर्वत है, और जो
कल जो समुद्र मंथन में देवता दैत्य मिलकर करते हैं, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी, लेकिन यहाँ पर जो दोनों तरफ में पकड़े हुए ब्रजवासी ये बिल्कुल है। कल जो समुद्र मंथन में सबसे पहले कौन निकले? बीज, हलाहल बीज, जिसको शंकर जी पान किए थे, जिनका नाम पड़ गया नीलकंठ, जिनका नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन निकले? सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मा जाता लाल महामना, यहाँ पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण सबसे पहले कृष्ण जन्म हुए हैं। कल जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, 14 रत्न, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परखि जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात, इतने सोने चांदी उन्होंने ब्राह्मण संतों को दिए, ये लोग गठली बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते गिरते जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर के गली गलियों में नाच रही, इतने उन्होंने दान दिए, इतने दान दिए। अभी 33 करोड़ देवता नंद महोत्सव में आए थे, भोले बाबा भी आए थे, नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दी, अभी भोले बाबा तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? आप लोग बताओ शंकर जी का बाहन कौन है? जोर से बोलो, नंदी। वो भी बैल है, गैया के रूप है, शंकर जी तो डर गए, बोले क्यों? बोले आज इन्होंने इतने गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो भूल से मेरे जो बैल को दान नहीं देते, अगर नंदी अगर दान में चली गई, बोले भैया मैं बैठ कर किस में जाऊंगा, इसलिए शंकर जी ना अपना नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हो। वहां पर माँ पार्वती भी आई थी, माँ पार्वती की 2 बेटे हैं, कौन कौन है? हाथी और कड़ी, कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल, बट बोल नहीं रहे, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, इसलिए उन्होंने इतने हाथी और घोड़े दान दिए ना। अभी तो मैया पार्वती डर गए, क्योंकि उनका एक बेटा गजानन गणेश जी, बोले भैया इतने हाथी दे रहे हैं, मेरे बेटा का भी तो सर हाथी हो ना हो भूल से मेरे बेटे को अगर हाथी मान कर दे देंगे फिर तो मेरे बेटा ही गायब हो जाएगा। मैया पार्वती का अपना बेटे को गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर स्वयं स्वर्ग लोक से धन कुबेर आया था, वो भी चक्कर में पड़ गया, बोले क्यों? बोले नंद बाबा आज इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतने धन नहीं। प्रश्न है नंद बाबा इतने मिला कहां से, इतना धन दौलत कहां से लाए? बोले जब कृष्ण जन्म हुए तब उनकी लादिनी शक्ति श्री राधा रानी भी वहां प्रकट हुई और रिद्धि सिद्धियों को उन्होंने आदेश दिए, बोले मेरे प्यारे कन्हैया के जन्म महोत्सव में इतने दान दक्षिणा होनी चाहिए, जब तक ये दुनिया रहेगा लोग याद करते रहे कृष्ण के जन्म महोत्सव में नंद बाबा ने जो दान दिया, स्वयं रिद्धि सिद्धि राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई। और ये राधा रानी कौन है? बोले सर्व लक्ष्मी मई, जितने अनंत करोड़ लक्ष्मी जिनसे प्रकाशित होते हैं श्रीमती राधा रानी, ये सर्व लक्ष्मी मई श्री राधा रानी। इसलिए धूमधाम से वहां पर उत्सव हो रहा था, संत सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अभी हमारे प्रभु जी एक तो बधाई सुनाएंगे, आप लोग खूब जोर से नाचना, ठीक है ना? भगवान की बधाई में नाचने पर ये संसार में नाचना हमारी समाप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। तेरा से प्यारे
तो एक व्यक्ति था, वो मिठाई की दुकान में गया और बहुत जलेबी खाई, गरम गरम छटाचट पेट भर के खाया। और दुकानदार ने पूछा कि भाई पैसा ऐसा नहीं है उसके पास, कम से कम 5-6 किलो जलेबी खा गए और पैसा के लिए बोला तो हाथ धर दिया, पैसा नहीं। दुकानदार ने खूब तफेद से पिटाई की, कम से कम 15-20 मिनट पिटाई की। तो फिर पिटाई करने के बाद फिर 20 मिनट बाद फिर दुकान पे जाकर खड़ा हो गया। फिर दुकान पे खड़ा हो गया जब, तो फिर दुकानदार ने पूछा कि तेरे को इतना पिटाई की फिर आ गया? बोले इसी बात पे 1 किलो और दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक नेता का बेटा था 5-6 साल का, तो उनने कहा कि पिताजी मुझे राजनीति की शिक्षा दी, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। बोले बेटा तू अभी बहुत छोटा है, अभी पढ़ाई कर, अभी तेरा समय नहीं हुआ। तो बच्चा मना नहीं, बोले नहीं अभी मुझे राजनीति की शिक्षा दीजिए। पिताजी बोले ठीक है, तू मानता नहीं है तो ऐसा कर, पहले मंजिल पे चढ़ जा। पहले मंजिल पे चढ़ गया, बोले पिताजी आप क्या करें? बोले वहां से कूद जाओ। अब बेटा कूद गया, हाथ पैर टूट गया। हाथ पैर जब टूट गया, बोले पिताजी मुझे ये क्या किया आपने, हाथ पैर तोड़वा दिया आपने। बोले राजनीति की पहली शिक्षा ये है कि आपने बाप का कभी विश्वास मत करना। राजनीति की पहली शिक्षा ये है कि आपने बाप का कभी विश्वास मत करना। तो जब यूपी में बीजेपी ने बहुमत से जीता, मुलायम सिंह जी ने फोन लगाया किसके पास? सोनिया जी के पास। बोले तुम्हारे बेटा ने हमारा बेटा का फट्टा निकाल दिया, मतलब अखिलेश हार गए। तो पता नहीं सोनिया गांधी कितनी समझी होगी, क्योंकि वो तो हर समय देख के बोलती है, जिंदगी कितना समझी हो जाए। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि पता नहीं मेरी बात किसी को क्यों समझ में नहीं आ रही। तो किसी ने कहा कि आप कैसेट करके सुनो, आपकी बात खुद को समझ में आती है क्या? तो उसी समय जब बहुमत से जीती बीजेपी में, तो उस समय आडवाणी जी के पास यमराज आ गया। यमराज जी ने बोले कहा बहुत हो गया आप तो चलो। तो आडवाणी जी ने कहा देखिए मोदी जी ने कुछ घोषणा की है कि 8-6 दिन आने वाला है, बस उसी को देख करके चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने इसमें एक राजनीति और करके रखी है क्या? बोले ये 8-6 दिन आएगा, उसका सन और डेट नहीं बताए कब आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जलेबी की बात आकर ये कि आज पर भी सिमरज नारी बनी गुजिया
अच्छा वहाँ हल्ला हुए, यहाँ हल्ला नहीं होना चाहिए क्या? किस किस को माइक से परेशानी है? हाथ उठा के बता। माइक से किस किस को परेशानी है? आवाज कम करा रहे हैं वो बता है। कोई है नहीं भी, एक आदमी उधर देखा वो बाहर बैठ जाए आराम से, वहां बॉक्स लगा है वहां सुनिए जिसको परेशानी है, क्योंकि आपकी एक की वजह से पूरा आनंद गिर गिरा हो जाएगा। अरे जाए
बहुत कुछ मिलेगा। राधा रानी ने जन्म उत्सव में बहुत कुछ मिलने वाला है। सब बैठ जा बोले श्री वृंदावन हरि लाला की जय। जय जय श्री राधे बोले श्रीमती राधा रानी की जय। सबके सब बैठ जा बोले श्री राधा महाराज की जय। महाराज कहीं चले महाराज की जय ले महाराज पकड़ के ले ये तेरा नहीं लग रहा थोड़ा श्री नंद के लाला बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसको मैं सुना दो थोड़ा सुना सोना है थोड़ा सा। हरे कृष्ण सब बैठ अब पूरा पेट हरे कृष्ण सब बैठ बस नंद के लाला की जय। जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। देखो हरे कृष्ण आज हमारी बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज हमें हमारे मंदिर का जो एक प्रेसिडेंट है श्रील भक्तिवेदांत श्रील माधव महाराज जी कृपा करके यहाँ पर पधारे। देखो भागवत कथा का जो सार है ये संत दर्शन है। एक समय द्वारका बच्चा बैठ जाओ चुपचाप इधर उधर घूमना नहीं। इसलिए जिस समय एक समय द्वारका में बहुत बड़ी भारी एक यज्ञ हो रहा था भगवान कृष्ण वसुदेव महाराज श्री बलदेव प्रभु देवकी बड़ी जोर तोर से यज्ञ हो रहा था जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या यज्ञ का नाम था? विश्व शांति महायज्ञ। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ होना बीच में वो यज्ञ बंद नहीं करनी चाहिए जब तक इसकी पूर्णाहुति जब तक नहीं हो जाए ये नियम है। लेकिन यज्ञ का बीच में कितने में श्री नारद जी आ गए तो इतने में श्री वसुदेव महाराज ने वहां पर खड़े हो गए कृष्ण वहां पर खड़े हो गए बोले भैया यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि यज्ञ का जो फल है ना वो स्वयं आ गए श्री नारद जी आ गए। अभी जिस सिंहासन में कृष्ण बैठते वहां पर उनको बैठा दिया। बैठा करके जितने सारे सामग्री सब पूजा के लिए था वो सबके सब श्री नारद जी की आरती उतारे उनकी चरण धोए चरणामृत लिए पूरा द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए। अब श्री वसुदेव महाराज नारद जी के चरण में बैठे गए बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देना मुख्यण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मतलब है एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है जो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है लेकिन उसमें दुर्लभ क्या है बोले उसमें दुर्लभ है संतों का दर्शन। अगर हमें भगवत दर्शन हो गया ना श्री संतों की अगर दर्शन हो गया तो समझो ठाकुर का दर्शन हो गया। ठाकुर जी के दर्शन हो गए क्यों जब तक किसी संतों की कृपा नहीं हो तब तो ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। जैसे देखो घर में भी हमारे ठाकुर जी यहाँ भी ठाकुर जी हमसे बात करते हैं कभी ठाकुर जी कभी हमसे बात किया है ठाकुर जी कभी बात नहीं करते हैं। अगर ठाकुर जी किसको पर कृपा करते हैं ना वो सीधा संतों को पास में भेजते हैं संतों को पास में भेजते हैं। अगर किसी संत की दर्शन हो गई समझना ठाकुर जी की हमारे ऊपर में पूरी कृपा हो गई है क्योंकि संत ही कहते हैं भैया भक्ति करो भजन करो ये गंदी चीज इसको छोड़ो ये करो। इसलिए जब ध्रुव महाराज जी को ठाकुर जी दर्शन दिए भगवान बोले बर मांगो ध्रुव जी ये नहीं बताए ठाकुर जी तुम्हारी संग मिले ध्रुव जी कहते प्रभु तुम्हारी भक्त का संग दे दो। भगवान ने कहा जब मैं स्वयं तुमको दर्शन दे दिया फिर मेरे भक्त संग क्यों चाहते हो बोले प्रभु आज जो आप मिले है ना वो संतों की कृपा से मिले ये संतों की कृपा से आप मिले हो अगर संतों की कृपा नहीं होता तो आज आप नहीं मिले।
खैर आप क्या आपकी कथा सुनाओगे? आपकी संत ही आपकी कथा सुनाएंगे। अगर कथा रूपी मंदाकिनी की नदी में अगर हम गोता लगाते रहेंगे ना, ये मन अपने आप आपकी चरण में लगी रहेगी, आपकी चरण में यह मन लगी रहेगी। इसलिए भगवत दर्शन करने का बाद में भी इन्होंने जो मांगे हैं संतों की दर्शन, संतों की संडो हमें प्रदान करो। इसलिए जीवन में जब संत दर्शन कोई भक्त आकर के दर्शन देते हैं, क्या समझना चाहिए? ठाकुर जी के हमारे ऊपर में ठाकुर जी की कृपा होगी। इसलिए आज श्री महाराज कृपा करके बता रहे, कुछ दिन पहले महाराज के आंखों की ऑपरेशन हुई है, ये 3 दिन पहले हुई है। इसलिए महाराज जी को मैंने प्रार्थना की, कथा हो रही है, एक बार आकर के भक्त लोगों को कुछ कथा सुना करके जाओ। महाराज बोले ठीक है मैं आऊँगा। इसलिए महाराज कृपा करके आए, अभी आपको थोड़ी सी उपदेश देंगे कैसे हम इस जीवन में भगवान की भजन साधन कर सकते हैं, कैसे हमें इस जीवन में भगवत दर्शन भगवत कृपा हो, इस जीवन की सार्थकता हो। महाराज जी आपको थोड़ी सी आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे, आप कृपा करके श्रवण करें। हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरि युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। श्री ब्रह्म समारंभाम् श्री गौरचंद्रमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् नमामि गुरु परम्पराम् वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्तै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमारथ गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। महाराज ने कुछ बड़ा चढ़ा कर कहीं बता दिया, न मैं संत हूँ न साधु हूँ, मैं उनको चाचा गुरु बोलता हूँ। हम लोग बहुत सालों तक एक साथ रहे हैं मथुरा में, फिर वृंदावन का मठ बनने के बाद वृंदावन का इंचार्ज बना दिया। हम पहले से एक साथ है, आखिरी सांस तक एक साथ ही रहेंगे। ये महाराज जी ने मुझे कहा हमारे जीवन कैसे सफल हो और हम भगवान में प्रीति कैसे लाभ करें, इस विषय कुछ कहने के लिए मुझे आदेश दिया।
बताया शास्त्र में साधु संग सर्व शास्त्र कह लोकमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। समस्त शास्त्र में वेद वेदांत पूर्ण सब में साधु संग की महिमा कह रहे हैं। जैसे वृत्तासुर उपाख्यान में वृत्तासुर भी कह रहे हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सखम, प्रहलाद महाराज दिखा रहे हैं, फिर रोहगण राजा, फिर पृथु महाराज, सब जगह में ही साधु संग की महिमा दिखाया। जो महाराज दिखाया नारद ऋषि के बारे में वसुदेव महाराज जो को बीच में छोड़ दिया, क्यों? साधु संग के लिए। तो इस प्रश्न हो सकता है साधु कौन है, ये प्रश्न हो ही सकता है। बहुत ही रमा लिया ऐसे तीन धागा के एक खेच ले लाइन साधु कहेंगे, ये प्रश्न हो ही सकता है। उनको संत कह साधु नहीं, साधु किसे कहते हैं? हमारे छह गोस्वामी, एक गोस्वामी का नाम है श्री जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने बताया साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो स्वयं कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं और दूसरे को भी कृष्ण प्राप्ति करने के लिए साधन कर रहे हैं उसे कहते हैं साधु, उन्हें कहते हैं साधु। एक युग पहले जो व्यासदेव जी, जो भगवान के सत्तावेश अवतार, जिनके कारण जगत में भागवत प्रकट हुआ, लिख दिया पद्म पुराण में श्री ब्रह्म रुद्र सनकाचिति पावना अतकलो भविष्यन्ति चत्तार संप्रदायिन। व्यासदेव जी कह रहे हैं आने वाले कली युग में चार संप्रदाय होंगे। एक है स्त्री यानी लक्ष्मी देवी, एक संप्रदाय चालू करें प्रधान आचार्य श्री रामानुजाचार्य, ब्रह्मा जगत के सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा एक संप्रदाय चालू करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य श्री मध्वाचार्य, रुद्र जगत की ध्वंसकर्ता शिव जी रुद्र एक संप्रदाय चालू करेंगे, प्रधान जो आचार्य होंगे श्री विष्णु स्वामी। सनक ब्रह्मा के पहले चार पुत्र हुए मन से, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार, चार मिलके एक यूनिट है। सनक बड़े होने के नाते उन्हें सनक संप्रदाय या चतुष्सन संप्रदाय कहा जाता है, उनके प्रधान आचार्य श्री निम्बादित्य। ये संप्रदाय के बाहर जो भी है वो साधु नहीं है, संत कह सकते हैं लेकिन कृष्ण प्रेम दान करने वाले साधु नहीं हो सकते। ये मेरा बात नहीं है, जो शास्त्र में है ये बता रहा हूं। मां ये कृष्ण जन्म सुनाया, मैं आते सुन रहा था, ये कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए? केवल साधु संघ के माध्यम से। ऐसे ही ब्रज में बहुत से संत हैं और नारद ऋषि चारों तरफ सबसे घूमते हैं, चारों तरफ घूम घूम करके कृष्ण की महिमा नंद बाबा जसोदा में महिमा गान करते हैं। ऐसे कुछ मथुरा के लोग ब्रज में जाते हैं, जैसे चूड़ी है चूड़ी बेचने के लिए, कोई फल बेचने के लिए, फिर आते जाते ऐसे सबसे कृष्ण की बात सुना करते थे। मथुरा में एक फल बेचने वाली एक डगरी थी, जब कृष्ण का सुना, विभिन्न लोग आते सुनाते, इतने आल बेला है, जो एक बार देख लेता है आंख फिरा नहीं सकते। उनको मन में इच्छा ही, मैं भी पर दर्शन करूं। बोलते इतने नटखट, और कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध हो गए। भक्त कह रहे हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगन्नम पुरुषम नमामि। बता रहे हैं भगवान कृष्ण
ब्रज में कैसे प्रसिद्ध है, ये माखन जल के रूप में। अगर हमें कोई जल के हमें अच्छा लगेगा, लेकिन कृष्ण बहुत खुश है, क्यों भक्त कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इधर मैं आया हूँ, महाराज जी का उसमें अदरक रखा, यदि कटोरी नहीं मिले तो महाराज जी कहेंगे देखो माधव भाई कटोरी चोर है, तो मैं कभी आऊंगा, कभी आऊंगा नहीं। लेकिन कृष्ण बोला मक्खन चोर, इसे बहुत खुश है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौदम, यही नहीं है और क्या है, गोपांगनांच दुकुल चौरम, ब्रज गोपियों का दुकुल चुराया। दुकुल का दो अर्थ है, दो अर्थात दो कुल अर्थात वंश। जब कृष्ण रास रचाने के लिए वंशी वादन किया, कुछ गोपियां अपने पितृकुल में थी यानी पियर में थी, कुछ ससुराल में थी, दोनों साइड से उनको खींच के ले आए, एक अर्थ दूसरा अर्थ, दो अर्थात दो कुल अर्थात दुकुल का अर्थ जो चुंदरी है गोपियां का, उसको चुराया कात्यायनी व्रत के समय। अब एक दिन कृष्ण बहुत डिघाक रहे गोपियों से, गोपियां तो तुम चोर लंपट ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो, ठग प्रताड़क, तुम अंदर से काला बाहर से काला। इसमें नहीं, मैं सबसे बड़ा साधु हूं, मैं नारियों का इज्जत करता हूं, बोला अरे छोड़ो बात, हम उनका साक्षी हैं। कृष्ण बोला देखो तुम लोग पूर्णमासी से पूछो, मैं किसी जन्म में एक महिला का बहुत विपदग्रस्त हो गई थी, बोलते मानी व्यक्ति नाम अपमान मृत्यु तुल्य, मानी व्यक्ति का अपमान मौत के समान है। बोले ऐसे राजनी थी द्रौपदी, जिनके भरीसवा में नंगी करने की कोशिश किया गया था, तो मैंने उनको कपड़ा दिया था, उनको नंगी होने नहीं दिया। बोला अरे छोड़ो बेकार की बात है, तुम कपड़ा दिया था, तुम चोर हो चोट्टे हो। तब कृष्ण बोला विश्वास न हो पूर्णमासी से पूछ लो, ब्रज में पूर्णमासी जो बोलेंगी सब मानने के लिए बाध्य है। तब कृष्ण बोले अच्छा पूर्णमासी साक्षी देगी, बोला हाँ, बोले पूर्णमासी देगी तो मानोगी, बोले जरूर क्यों नहीं मानेंगी, पूरा दुनिया मानती है हम भी मानेंगे। अच्छा कृष्ण ये बताओ तुम तो जो दिया था चराई माल दिया था, इसमें नहीं चराई माल नहीं, और चराई माल तो क्या है, चराई माल क्या होता है, चुरा करके रख लिया सो चराई माल कहते हैं, और कोई चुरा करके कोई संपद रख लिया और आसपास मेरे पड़ोसी को पता चल गया क्या करेगा, अपने नाम कमाने के लिए दान में दे देगा, और नहीं तो क्या कम दाम में बेच देगा, हजार रुपया का चीज 10-15 में जो मिल जाए अच्छा है, और नहीं तो दान में दे देगा। बोले ऐसे तुम कपड़ा द्रौपदी को दिया था चराई माल दिया था, वो कैसे, बोले जब हम लोग जब छोटी थी तुमने तो कपड़ा चुरा के रख लिया था, अब देखा तुम इधर से चला गया मथुरा, मथुरा से ब्रज, सॉरी द्वारका, सब द्वारका से आके द्रौपदी को कपड़ा दिया था। बोले नहीं चराई माल नहीं है, कपड़ा तुम लोगों को लौटा दिया था। बोले नहीं लौटाया, बोले चराई माल दिया था। बोले नहीं मैं कभी चुराता नहीं, मैं साधु पुरुष हूं। तब गोपी बोला अच्छा कृष्ण ये बताओ तुम पुरुष हो या महिला हो, ये क्या बात है, पूरा दुनिया जानती है मैं पुरुष हूं। अच्छा कृष्ण ये बताओ तुम धोती पहनते हो या साड़ी पहनते हो, ये क्या बात है, देख लो धोती पहन रहा हूं, द्रौपदी को साड़ी दिया था कि धोती दिया था, जब द्रौपदी को खीर पड़ा हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, जब द्रौपदी पुकारा क्या दिया था, साड़ी दिया था ना धोती दिया था, आप लोग बताइए द्रौपदी को क्या दिया था कृष्ण ने। तो कृष्ण बोले साड़ी तो तुम पहन, गोपिया बोले कृष्ण बोलो तुम साड़ी पहनते हो या धोती पहनते हो, कृष्ण सिर खुजला रहा है, तो बोले नहीं पहनता तो धोती साड़ी दिया था, साड़ी कहाँ मिला तुम्हें, जो चुरी करके रखा था, अब चढ़ाई बाप नाम कमाने के दान में दे रहे हो, अब कृष्ण हार गए। ये सब जो विभिन्न युगों में ये लीला हुई, ये सब फल विक्रय सुना। अब कृष्ण भी छोटे हैं,
सुना कृष्ण मक्खन चुराते हैं, इतने इतने सफाई से चुराता है कोई हाथ ना रंगे हाथ पकड़ नहीं पाते हैं। प्रतिदिन मैया के पास नाली से शिकायत आता है, मैया ने बोला रंग हाथ में पकड़ ला, कोई रंग हाथ पकड़ नहीं सकते, अब करे क्या। जब कृष्ण मैया के पास रहे इतने भले भाले, उनको कोई जवाब नहीं है। गोपिया करे देख जसोदे अपने बच्चे को संभाल, आज है चोर काल बनेगा डाकू, पर से चलाएगा चाकू, हम ब्रज में चाकू चलाने नहीं देंगे, संभाल अपने बेटा को। आज ऐसे जब राजा बनेगा तो क्या होगा, एक भी प्रजा ब्रज में मिलेगा नहीं, वो अपने आप अकेला राजा बन के रहेगा। जैसे विश्वास नहीं होता है, ये फल विक्रणी सुनती है सब, ठीक नहीं बताया देखो। और कृष्ण जब चुराने जाते हैं अकेला नहीं जाते, पूरा टोली के साथ, इस समय पूरा दुनिया में बोलता है टीम वर्क, यानी सब मिलके काम करेंगे। ये टीम वर्क आया दापर युग में, दापर युग से और त्रेता युग से। त्रेता युग में भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई किया, अकेला के पान से बराबर दुख समाप्त कर सकते थे, पुल क्यों बांधा, जिस सागर को लंग सके ना बिना ही पुल के, राम कूद गए हनुमान उसी को लेके, राम का नाम भगवान हो के सागर को लंग ना सके, हनुमान जय श्री राम चले गए। क्यों, टीम वर्क दिखाना है भगवान को। दापर युग में देखिए कृष्ण क्या किया, महाभारत में अकेला सब कर सकते, क्यों टीम वर्क दिखाया, हम मिलके करना पड़ेगा इसलिए दिखाया। तो कृष्ण जब जाते चुरा के पूरा टोली के साथ, और कृष्ण के टोली के साथ एक बंदर रहता है जिसका नाम दधिलो, वो बाहर से जाकर के सुन के बता दे कैसा मक्खन है, अब तब टोली पूरा जाए चुराए। एक दिन कृष्ण गए चुराने के लिए, बहुत सुबह सुबह ब्रज गोपिया क्या करती है, उत्थाय गोप पररात्र भागे स्मृत्वा जसोदा सुत बालकेरी गायंती उच्चै जनिता नुरागा गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति। अब कृष्ण क्या कहते हैं, एक बार नारद जी से वैकुंठ में गए, भगवान मिले नहीं, फिर योगी के आश्रम में मिले, भगवान गए कहाँ। जब बाद में भगवान मिले, नारद जी प्रभु आप कहाँ विराजमान रहते हैं, मैं वैकुंठ में गया मिले नहीं, तब कृष्ण नेगेटिव अप्रोच, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, प्रभु योगी के आश्रम में हाथ और सिर हिला के नहीं 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 नहीं, योगी नाम हृदय न च, प्रभु कहाँ विराजते हैं, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त लोग जहां मेरा गुणगान कीर्तन करते हैं मैं वही विराजता हूं। अब ब्रजवासी जैसे भक्त कौन होंगे, लोग गा रहे हैं कृष्ण का नाम से उठ करके, गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो क्या किया, एक घर में घुस गए पूरा टोली के साथ, और जो घर की मैया थी सो रंगे हाथ पकड़ ले, कहना क्या कर रहा है, ये हो आज मैं सुनूंगी नहीं, तेरी मम्मी तो कभी मानती नहीं कि तुम चोर हो, आज मैं पकड़ के लेके ही जाऊंगी।
अब ब्रज का नियम है अभी भी, जब विवाहित महिला बाहर जाएंगी ना घूंघट कर लेती है ताकि कोई मुख देखे नहीं, ऐसे घूंघट कर ले, कृष्ण को पकड़ा और कृष्ण के सामने बहुत पतला कपड़ा दे, अधिक दुख देख ना सके, और कृष्ण सखालोक पीछे है, कृष्ण चल रहे हैं, कृष्ण देखो तुम मेरी मैया नहीं हो, तो गोपी कह रहे देखो आज मैं सुनने वाली नहीं हूं, आज तुम्हें पकड़ के लेके ही जाऊंगी, कृष्ण नहीं मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, देखो मेरा शरीर कितने कोमल है, मक्खन से भी कोमल है, तिस पर ही मैया देखो ये सोने का बाला पहना दिया, तिस पर हीरा मोती, अब बहुत जलन होता है, अब तू इतने कस के पकड़ी हो तो लूज तो करे आ रही, तो भागने के चक्कर में, बोले नहीं मैया मैं भागूंगी, भागूंगा नहीं, बोले मैया एक काम कर तू दूसरे हाथ पकड़ ले, बोले दूसरा पहले दे, नहीं तो नौ दो हो जाएगा, नौ दो क्या होता है, नौ दो जोड़ करने पर दो पैर माने एक एक बना ग्यारह, तो फंस जाएगा, बोले मैं छोड़ने वाली हूं, दूसरा पहले दे। अब कृष्णा क्या किया, पीछे हाथ किसको बुला रहे, जिसको बुला, समझ गए आ गए, अब वो तो घूंघट की हुई है, उसको थपले मैया दूसरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिया, अब कृष्णा डूब गए, अब जितने सखा थे पीछे मुड़ के सब भाग जा, सब भाग गए, और ये फल की ट्रेन सब सुन रही है मथुरा की जो फल बेचने वाली। अब कृष्णा पीछे दरवाजा से जा करके माँ जशोदा के जो बेडरूम जाके सो गए। अब मैया दधी मंथन कर रही है, लाला जगेंगे तो उसको मक्खन खिलाएगी, दधी मंथन कर रही है, घर घर शब्द हो रहा है, और कितनी चुड़ियां हैं, धिक्तान धिक्तान, जो कृष्ण का भजन नहीं करते उसको धिक्कार है धिक्कार है, और गा रही है लाला का याद है यार, मोती जैसे आंसू आ रहे हैं, गोविंद नामो धर्माधवे को पकड़ के लाई। टाइम क्या हुआ, अभी 10 मिनट, ठीक है चलिए 10 मिनट बाकी है, इसको हटा, चिंता नहीं। अब वो आ गए, आकर के दौड़े खटखटा रहे, यशोदे ओ यशोदे, मैया सोच रही सुबह से इतना जल्दी हल्ला क्यों मचा रही है, फिर मैया दरिया खोल के, अरे जसोदे जसोदे, सखी तो हल्ला क्यों रे, हई हल्ला क्यों कर रहे, हाँ हाँ मैं गरीब हूँ, मैं जो करूंगी तो हई हल्ला, तू कहेगी तो होगा रसगुल्ला। मैया आके थोड़ा सा दरवाजा खोली, अब कृष्ण क्या किया, अब उनको सुजोग मिल गया, अब उतरे, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, मक्खन दे दे, मैया तो सियोरे मेरा लाला आ रहा है, मुझे मक्खन मांग रहा है। जसवंत का आधा दरवाजा खुला, सखी क्या बात है, तू क्यों हल्ला कर रही हो, बोल, बोले देख तेरे लाला का करतूत देख, बोले मेरे लाला तो घर में सो रहा है, हाँ हाँ वो साधु पुरुष है सो रहा है। अब कृष्ण आके मैया को पकड़ लिए, मैया मां जाते जानते हैं मैया मेरे लाला तो इधर है, मेरा खींच रहा है मुझको, तो मैया ने कहा अच्छा दिखा दे, ये फल बिक्री सब सुन रहे दूसरे से। अब जी खोला देखा तो अपने बेटा को पकड़ के ले आई, बाबा तू, बोले मैं क्या, तू तो पकड़ के लाई मैया, मैं क्या करूं। अब कृष्ण ने बोला मैया देख,
अगर मैं घर में नहीं होता तू सोचती कि ये सब लोग क्यों शिकायत करता है, मैं ये लोग ऐसे ही करता है, तेरे पास आना चाहता आए, कोई थोड़ी मना है, ऐसे मेरे में झूठा इल्जाम क्यों लगाती है लोग। तो कृष्ण दरिया खुला है, जो ब्रज गोपी पकड़ के लाए उसके मुख उधर है, जसोदा का मैया का मुख इधर है, कृष्ण माँ के पीछे है, आके मैया देख ये अपने बेटा को नहीं खिलाएगी तो घर से कुछ खा ले तो चोरी हो जाएगा, मैया तेरे सखीदा समझा दे, अब बेटा तो भरपेट खिला है। कृष्ण क्या किया, फिर माँ के पीछे जाकर के उसको दिखा रहे और गोपिया क्या करे, वो समझ गई भात बदला उस समय हुआ। फिर आके बोला मैया तेरे घर में तो कमी नहीं है, तेरे सखी को बोल थोड़ा सा घर से हमारे घर से ले जाए, अपने बच्चे को भरपेट खिलाए, छोटा बच्चा मैया नन्ना सा बच्चा भूख में क्या करेगा। फिर जसोदा के पीछे आकर के दिखाते हैं, जसोदा देख नहीं पा रही है लला क्या कर रहा है। फिर मैया देख तेरे सखी का झूठा बोलना, झूठा खाना, झूठा चबेना, ऐसे मुझे इंजाम लगाती है। फिर माँ के पीछे मैया देख नहीं पा रही है, ये फल विक्रेता सब सुन रही है, बोले इतनी सुंदर है देखने को, लेकिन दस देखना ही है, देखना ही है। ठीक है, अब टोकरी में फल ले लिया, आए नंद भवन के आसपास टेर लगा रही है, आम लो, अमरूद लो, अनार लो, खजूर लो, संतरा लो। कृष्ण कभी मैया के गोदी में खेल रहा है, कभी ताऊ जी के, ताई के, कभी चाची के, कभी बाबा के, ऐसे प्रतिदिन जाती है लौट के आती है। अब प्रतिज्ञा किया, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। अब क्या किया, लेके फल आई, फिर बोलते हैं आम लो, अमरूद लो, अंगूर लो, अनार लो, ढेर लगा रहे, फिर भूल गए, माधव लो, गोविंद लो, दामोदर लो, श्रीधर लो, सब बोला। अब कृष्ण क्या बोलते हैं, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरा भक्त तो जहाँ गुणगान करते नहीं रहता हूँ, इतने दिन फल का नाम लेके पुकार रही थी आई नहीं, अब कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, कृष्ण सब तो जाना पड़ेगा। क्या किया, नंदो जा स्टोर रूम है जहाँ भंडार अनाज भरा हुआ है, कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, पूरा सब बोल भी नहीं पाते हैं, नौरवत लीला है ना, कैसे उठा, उठाते सब गिर जाता है, उठा के पेट के बल पर ऐसे पकड़ लिया, पैर में पैजेब है सोने का, हाथ में है, छम छम करके आ रहे हैं। आके उस जो फल बेचने वाले उसको अनाज डाल दिया, कृष्ण जानते हैं कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, फल दो फल दो, इतने सुंदर देख के ठगी सी रह गई, ऐसी इतनी सुंदर हो, हम चाहे ना चाहे आग के पापनी गिरती है, उनका आग के पापनी भी नहीं गिर रही है, ठगी सी रह गई, फल दो फल दो, उनका होश आया। एक मिनट, गोविंद दामोदर माधव दी, गोविंद दामोदर माधव दी, गोविंद दामोदर माधव दी, गोविंद दामोदर माधव दी, हे वीर सहेया साया। बोले नहीं फल नहीं दूंगा, देखो
कृष्ण के लिए बता रत्ना करत अव गृहम गृहिणी च पद्मा, जिनके घर रत्न से बना हुआ है, जिनके गृह लक्ष्मी है, आज उनका जीव में पानी आ रहा है फल के लिए नहीं, मतलब तुम मुझे माँ कहो और मेरे गोदी में बैठो तो फल दूंगी। अब सोच रहे हे भगवान, मन ही मन सोच रहे मैं इसको जानता नहीं, इसको मैं माँ कहूँ तो सब लोग क्या सोचेंगे, तीस पर भी जब गोदी में बैठू मेरी मैया चाची ताई कोई देख ले तो क्या बोलेंगे, वो भी अड़ी हुई है। भगवान सबसे भक्तों के पास हार जाते हैं, फल दो नहीं, पहले बोलो क्या करूं। जैसे बरसात के समय बिजली कड़कती है ना, कितने देर के लिए, बस कुछ चंद सेकंड के लिए, इसी तरह देखे क्या करूं। मैया फल दो गद्दे में बैठ गए और बोला तब फल दे दिया, हाथ में लिया लेकर के दे दिया जसदा के गद्दे में। जसद लाला कहां से फल लाए, दिखा रहे बाहर। अब जसदा क्या किया, सबको एक एक फल दे रहे, फल का समाप्त तो नहीं हो। इसलिए गुरुदेव बोलते सिद्धांत तो क्या है, भगवान को नियमित रूप में भोग लगा के देने पर कम नहीं होगा, ऐसे भोग सामने धर दिया नहीं होता है। सदगुरु चरणाश्रय करके इसका नियम है वेद में, नहीं तो मान लिया आपके पिताजी है माताजी है पति पत्नी है, आप जाके रख देंगे कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या थोड़ी खाएंगे, प्यार से बुलाना पड़ेगा, आइए प्रसाद पाइए, जाके रख दिया ऐसे बात कैसे नहीं होता है, ये वेद में मंत्र है इसके करना पड़ेगा। ऐसे भगवान को भोग लगा के नियमित रूप में करने पर कमी नहीं होगी। मैया सबको बांट दिया, अब वो तो जो फल बेचने वाली ठगी से रह गई, टाइम टाइड एंड डेट वेट फॉर नाम, समय समुद्र के लहरें और मौत किसके लिए अपेक्षा नहीं करते। अब धीरे सूरज ढलने लगी, ढलने लगा, एक ब्रजवासी आके ब्रजमैया अरे डगरी तो क्या कर रही हो, और भूली गई तो वापिस जाना है, ओ साया बाहरी होश, अब बस के बॉस टोकरी ले लिया चल पड़ी। अब गोकुल महावन से मथुरा जाने के लिए जमुना को पार करना पड़ेगा, अब टोकरी को रखा ले, वजन क्यों लग रहा है, देखा हीरा जहरत में भरा हुआ है, टोकरी समेत उड़ेल दिया जमुना में। अब वो कहां गई क्या बात किसी को कुछ पता नहीं, भागवत में किसी पुराण में इसका वर्णन नहीं दिया कहां गई। इसलिए गुरुदेव बताते हैं उसकी इच्छा थी कृष्ण को बच्चे के रूप में पालन पोषण करें। अब वो शरीर छोड़ करके जहां कृष्ण की लीला चल रही उधर जन्म लिया, मां जशोदा के पड़ोसी बन करके सेवा करने लगी। ऐसे क्यों हुआ, नारद ऋषि के मुख से सुना और लोगों से सुना, ये सब साधु हैं, वो लोग स्वयं कृष्ण प्रेम पाने के लिए भजन कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम पा चुके हैं, दूसरे को मदद कर रहे हैं, इसलिए प्राप्ति हुआ। ऐसे आप लोग सौभाग्य वाले महाराज कृपा करके आए, आप लोगों को सुना रहे हैं, ये सब कथा सुनेंगी आप लोग, एक दिन सौभाग्य होगा भगवत दर्शन का। हरे कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब मुझे जाने का आज्ञा दे, हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय Yeah.
ठाकुर जी को जितने जोर से जयकार लगाओगे उतना पाप खत्म होगी और उतना पुण्य उदय होगा। इसलिए जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय गोकुल में चलते हैं। अभी कंस ने उतना को भेज दिया, किसको भेज दिया बताओ, किसको भेजा? उतना। ये उतना बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी। जब ये गोकुल में प्रवेश की, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उतना का एक अर्थ है पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। यहाँ प्रश्न कहते हैं बोले भैया ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती हैं? बोले जहाँ पर ठाकुर का कीर्तन नहीं हो, जहाँ पर भगवान की भक्ति नहीं हो, वहीं पर ये अविद्या अपवित्र पाप प्रवेश करती है। लेकिन गोकुल में तो साक्षात आनंद का तो भगवान कृष्ण जन्म ली। प्रश्न होता है फिर ये पुतना कैसे आ गई गोकुल में, ये प्रश्न करते हैं। बोले देखो अगर पुतना नहीं आती तो फिर हम कथा किसकी सुनती, अगर कंस नहीं होता प्रभु का इतना बड़ा लीला होता, अगर रावण नहीं होता प्रभु की इतने सुंदर लीला होती नहीं होती। इसलिए ऊपर से क्या दिखती है ये भगवान की शत्रु, लेकिन अंदर से देखोगे ना शत्रु नहीं ये भगवान की मित्र है, तभी तो ये लीला हुई ना। इसलिए पुतना जिस समय गोकुल में प्रवेश की उसी समय में जितने गोकुल के माताएं देख देख कर हैरान हो रही थी, बोले भैया क्या स्वर्ग से लेकर वैकुंठ से क्या कोई रंभा उर्वस मेहनत कोई आ गई, इतने सुंदरी की पुतना बन करके आ गई और सीधा उसने चली गई गोकुल में। कहाँ चली गई? गोकुल में, नंद भवन में प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई मैया जसोदा, बात मत करो हरे कृष्ण, देखो इधर सुनो माता है, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना है ना आप जिसको जानते हो कभी उसको पास मत बैठा करो, आप जिसको जानते हो उससे थोड़ी सी अलग बैठो फिर तो कथा सुन सकते हो। देखो अभी पुतना आ गई, जब पुतना आ गई मैया जसोदा कन्हैया को पल्ले में झूला रही थी, बोले जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल। Yeah.
जलेबी बड़े सुंदर सुंदर बनती हैं। बलखीरी जलेबी उसको तो गोद में लेकर प्यार देनी चाहिए। इतने में कृष्ण को उन्होंने सिंघा उठा ली। जब कृष्ण को उठा ली ना, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दी। क्या कर दिया? आंख बंद कर दी। आंख क्यों बंद की? हमारे टीकाकार उसको पांच कारण बताते हैं। अभी मैं बताऊंगा, कल भी सुनूंगा उसे। देखूंगा कौन मेरे को बता सकता है। ठीक है, ध्यान देकर सुना। पहला कारण बताए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, बले जनामा मोनी जाता ना करा। तपस्वी जोगी भोगी सर नीचा करके टांग ऊंचा करके चारी तरफ में आग जला करके मेरी प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं। अंतिम समय में प्रभु का स्मरण नहीं आता है। लेकिन ये पुतना ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की और मेरे को गोद में उठा रही। इसलिए मानव प्रभु आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे। बोले भैया उसने क्या पुण्य की? उन्होंने आंख बंद करके देखा, सचमुच से ये पूर्व जन्म में कौन थी? बोलो कौन बोलेगा? पूर्व जन्म में कौन थी? मैंने पहले सुनाया था, बोला हाँ, बलि महाराज की बेटी रत्नवाला थी। जब भगवान ब्राह्मण अवतार लेकर के गए थे, वो सोच रहे कि अगर मेरे ऐसे के लाला होता ना, तीन भर गोद में लेकर मैं नाक लड़ाती, प्यार करती। इसलिए देखा सचमुच से ये पूर्व जन्म में ये रत्नवाला बलि महाराज की बेटी थी। इसलिए भगवान आंख बंद कर पूर्व जन्म को देखा। ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बताए, तो उन्होंने श्री शंकर जी को स्मरण किए। बोले क्यों शंकर जी को क्यों स्मरण किए? बोले प्रभु ये तो स्थान में जहर लेकर के आई थी। शंकर जी को बुलाए, बोले जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों? बोले भैया जहर पीने का काम तेरा, क्योंकि समुद्र मंथन से बीस उठा तो किसने पान की? शंकर जी ने पान की। बोले भैया बीस पीने का काम तेरा और दूध पीने का काम मेरा, तू जहर जहर पी ले और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए उन्होंने आग बंद करके भोले बाबा की याद की। बोले इसका तीसरा कारण क्या है? बोले इसकी तीसरा कारण बताए, कहते बच्चों का एक स्वभाव। क्या स्वभाव? अगर अपना परिवार के कोई लोग हो ना, उनको सामने तो खेलते कूदते, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आए तो क्या होता है? वो डर जाते हैं। बोले भैया ये कहाँ से ये दादी आ गई? इसलिए इसको कभी हमने देखो ही ना। इसलिए मानव भगवान ने आंख बंद कर दिए। बोले इसका चौथा कारण क्या? चौथा कारण बताए, चौथा कारण बता रहे हैं ये आई क्यों? बोले बच्चों का खून पीने के लिए, बच्चों का खून पीने के लिए। बोले जानते हो ब्रज में जितने बच्चे कौन हैं? मेरे सखा और सखी जन्म ली, मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, इसलिए तेरे में मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया? उन्होंने आंख उन्होंने बंद कर दी। इसलिए हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बताए, भगवान आंख क्यों बंद करते हैं। उसका पंचमा कारण बताए, यद्यपि भगवान दंड देते हैं, लेकिन तब भी भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु ठाकुर जी। बोले अभी मैं इसको मारूंगा। आए कृष्ण जगत में क्यों? परित्राणाय साधु नाम
विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों को विनाश, संतों को पालन करने के लिए आए। अभी भगवान श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रभु पुतना को मारे, बोले पहला भी मैं पुतना को मारूंगा। अभी तो ये छटपट आएगी, लेकिन ये जो कुछ होने पर भी, लेकिन ये तो माँ की रूप लेकर के आई ना, अब इसका दुख मैं कैसे देख सकती हूँ। इसलिए कृष्ण ने आंख बंद कर दी। इतने में पुतना ने कृष्ण को मुंह में स्तन दिया। वो स्तन थी नहीं, उसमें जहरी थी। बच्चों को गोद में ले लो भैया, इसको गोद में ले लो। इसलिए उसमें तो स्तन थी नहीं, उसमें केवल जहरी जहर था। इतने में कृष्ण उन्होंने उसको प्राण को भगवान ने शोषण किया। जब प्राण को उन्होंने शोषण की, इतने में पुतना छटपट शुरू कर दी और पुतना उनको छुड़ाने के लिए कोशिश की। भगवान ने कहा देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है नहीं, लेकिन एक बार अगर किसको पकड़ लेना, अभी तक तो मैंने कभी छोड़ना सिखाया नहीं। इसलिए जब तक तेरे को मैं गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचा देता हूँ, तब तक मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं। इतने में पुतना ने सोच रहे हैं अगर इसको मथुरा में ले जाओ ना, मेरे भैया कल से कुछ ना कुछ करेगा। इतने पुतना अपना भयंकर रूप धारण की और कृष्ण को लेकर आकाश में उसने उड़ चली। जब उड़ चली, कृष्ण ने कहा देखो तुम मेरे ब्रज में आए ना, तुम मेरे ब्रज में आए हो, मेरे पास में जो आता है उसको जरूर मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, तेरे को मथुरा में जाने नहीं दूंगा। कहा ले गए, उनको ले गए, एक सुंदर बगीचा थी, ये कंस का बगीचा थी जिसमें सुंदर सुंदर फल फूल से भरा पड़ा था। लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ के कोई फल फूल कृष्ण और कृष्ण भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को और मेरे अनुजाइयों को मिलनी चाहिए। भगवान का तारीख है, ये दुनिया बनाया मैंने, और मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, दुष्ट लोग खाएंगे। अभी तेरे को मजा चखाता हूँ। उन्होंने तो पुतना को वहीं पर उड़ा करके ले गई। बोले पुतना कितने बड़ी थी, बोले त्रिकप्यूती, बोले 12 मील लंबी चौड़ी थी। और पुतना को ले करके ना कृष्णा उसी बगीचा में धड़ाक इतने जोर से गिरा है जितने पेड़ पौधा लता पता सब तसनस कर दिए। देखो देखो आज इतनी सी बात कथा से लेकर के जाओ, अगर इतनी सी शिक्षा लेकर के जाओगे ना, समझना कथा सुनना सार्थकता हो गया। हमारे टीकाकार उसमें क्या कहती है, चीज को समझो। ये उपनिषद कहता है ईसा वासम इदम सर्वम जत किंचा जगत जगत, मतलब है ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं, दुनिया को बनाया किसने, ठाकुर जी, ठाकुर का दुनिया। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तेना तेतन कुंजिका, घर में जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगाओ। अगर भोग खाओगे तो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर ठाकुर जी को भोग भोग लगाए बगैर खा लिया, कृष्ण कहते हैं भुन जानते तो अघम पापा, वो व्यक्ति केवल पाप भोजन करता है जो मेरे को भोग नहीं लगाता है। और जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है, देखो कृष्ण कहते हैं प्रसाद सर्व दुखाना, हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा उसको संसार में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा, उसको संसार में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। बोले क्यों, वो मेरे को भोग लगा करके खाना खाता है, हैं? क्योंकि जो पैसा से हर चीज हम पैसा से खरीदी करते हैं, जो पैसा को कहते हैं लक्ष्मी, पैसा को क्या कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी नारायण की। अगर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग जाती है ना, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती, बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब शांति सुख में रहो। लेकिन अगर लक्ष्मी को तुम भोग करना चाहोगे, सब चीज पैसा से खरीदी करते हैं, अगर ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, मतलब हम उसको भोग करना चाहते हैं, फिर तो लक्ष्मी बिगड़ जाती है, लक्ष्मी बिगड़ जाती है। बोले तुम मेरे को भोग करना चाह रहे हो, मेरे को तुम भोग नहीं कर सकते हो, फिर तो जितने दुख कष्ट अशांति को घर में सबका सब ले आती है। इसलिए पहले मैंने बताया था ना लक्ष्मी की दो वाहन है, कितने वाहन है, पहला वाहन कौन है, उल्लू, मतलब घर में जब पैसा आए वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बनाती है, मूर्ख बनाती है। लेकिन वो उल्लू को ऊपर अकेली बैठती है, लेकिन उसकी और के बाहर है कौन है, गरुड़ को ऊपर लक्ष्मी कभी अकेली नहीं और नारायण को साथ में बैठती है। अगर घर में लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाते हो, फिर वो उल्लू को ऊपर नहीं, वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में,
फिर हमारे घर को क्या बनाती है? भगवान के धाम, गोलोक वैकुंठ धाम में बना देती है। इसलिए एक चीज शिक्षा लेकर के जाओ, घर में जो कुछ खाना खाए पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर बच्चों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ, फिर प्रसाद को आपका ग्रहण करो। देखो आप लोग ने सुदामा जी का नाम सुने हो, सुने हम सुदामा जी का, ये सुदामा इतने गरीबी पहले क्यों बने, फिर बाद में ये धनी क्यों बने? अब कृष्ण लीला देखे होंगे, जिस समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले बेटा कृष्ण को देख करके खाना, लेकिन सुदामा ने क्या किया, उसने छुपा छुपा कर कृष्ण से खा लिया। कृष्ण बोले मेरे से छुपा कर खा रहे ना, इसका दंड तेरे भुगतना पड़ेगा। इतने गरीब उसने उठाया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जब सुशीला को पता चला, इनकी बचपन का दोस्त द्वारकाधीशी, बोले जाओ एक बार दोस्त को देख करके आओ, जरूर कुछ ना कुछ देंगे। बोले देखो खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। सुशीला ने दो मुट्ठी चिड़वा मांग करके लाए और वो चिड़वा लेकर गए। ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे उन्होंने हाथ पकड़ दिया, बोले नहीं आपने दो मुट्ठी चिड़वा खाया दिया हुआ पता है, उसका घर राज महल बन गया, सोने की महल बन गई, राज रानी उसकी पत्नी बन गई, अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊं प्रभु, और मत खाया करो। जब सुदामा घर में आया सोने की महल, पत्नी इतने राज सुंदरी, अपना पत्नी को भी पहचान नहीं पा रहे थे, पत्नी उनको आरती उतारने के लिए आ रही थी, पीछे पीछे हट रहे थे। बोले भैया राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? इतने में सुशीला बोली पीछे क्यों हट रहे? बोले तू है कौन? बोले आपके में वही सुशीला ना। बोले ऐसे तो दिख रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर को दो बटे चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन राज्य दे दिया, ठीक है ना? क्या करोगे बताओ? जब जो खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाओ। देखो ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा घर में, माँ लक्ष्मी कृपा होगी। देखो लेकिन एक समस्या भी है, अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग लगा नहीं सकते, है ना? इसलिए प्याज लहसुन हमें त्याग देनी चाहिए। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? कहते सब माताएं रखती हो, ना दिल तो प्याज लहसुन आप लोग खाते कि नहीं बताओ? नहीं खाते हो। बोले जानते हो क्यों नहीं खाते हो? नौ दिन तक प्याज लहसुन हम क्यों नहीं खाते? देखो इसकी कथा सुन लो। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे, देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की, समुद्र मंथन से जब अमृत निकली, मोहिनी बोली बैठ जाओ मैं बंटवारा कर देती। अभी देवता को पहले खिला रही थी, इतने में खिलाते खिलाते ये चंद्र सूर्य को बीच में सौरभान नाम का दैत्य बैठ गया चुप करके, उसने भी अमृत पान कर ली। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य ने अमृत पान कर लिया, ये देवता ने ये धोखे से पी लिया। भगवान सुदर्शन चक्र बुलाए, गला को काट दी। जब काट दिए जहां पर उसको मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज की पौधा है। इसलिए देखना जैसे मांस लाल लाल रंग की, प्याज भी लाल लाल रंग की। जैसे मांस सड़ जाए बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगी, यहाँ प्याज का तो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, आंखों से आंसू आ जाती है, छोंक मार बदबू आ जाती है। बोले क्यों? इसका जो सृष्टि है ये मांस से हुआ है। कहते जहां पर उन्होंने हड्डी गिरी वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून का बूंद गिर पड़ी वहीं पर मसूर दाल हुई। आप लोग बड़े बड़े पुराना व्यक्ति जानते होंगे, पहले ये तीन चीज को घर में कोई नहीं घुसाया करते थे। आप देख लो तुम्हारी मैया को देख लो, तुम्हारी मैया को देख लेना, घर में ये चीज कोई नहीं घुसाया करते थे, क्योंकि पहले हर हिंदू घर में बाल गोपाल की सेवा होती थी, कहीं सीताराम की लक्ष्मी नारायण की, घर में सब सेवा पूजा करते थे, अपना माताओं को देख लो करते थे, गीता रामायण पढ़ते थे, जो कुछ खाते थे पहले ठाकुर जी को भोग लगा कर खाते थे। पहले कोई हिंदू घर में ये चीज नहीं घुसती थी, सबके सब अपवित्र लोग इसको खाया करते थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव से धीरे धीरे इसको सबके सब खाने लगे। लेकिन ये इसलिए तो नौ दिन तक क्यों नहीं खाते, कारण है माता जी को पसंद नहीं है ना, तभी तो नहीं खाते हैं। क्या मैया को नौ दिन के लिए घुस रो को खा कर नाराज कर दो? देखो कभी कभी हम ये सोचते हैं भैया प्याज लहसुन का मगर स्वाद नहीं आता है। बोले नहीं, दाल में ना एक अलग स्वाद है, सब्जी में एक अलग स्वाद है, लेकिन उसमें प्याज डाल दो सभी का स्वाद खत्म। केवल प्याज की बदबू आती है।
आप कुछ दिन बगैर प्याज लहसुन के बना करके भगवान को भोग लगा कर खाओ, देखना कुछ दिन बाद में ना यहाँ प्याज कटेगी, आप खड़े भी नहीं हो सकते हो, इतने बदबू मारेगी आपको। हम लोग कहीं प्याज कटता है ना, हमारा सर तो चकरा लग जाती है, लेकिन हम उसको खा खा कर अपना आदत हमने बिगाड़ लिया। जैसे अभी प्रसाद बनता है, अच्छा बनता कि नहीं होता, अच्छी बनता कि नहीं, बहुत अच्छी बनती है ना। अगर रोज घर में अगर ऐसे बने हैं, आप उस स्वयं देख लेना, आप स्वयं घर में बना करके देखना, ठाकुर जी को भोग ला करके सबको खाना खिलाओ, आप स्वयं देख लोगे जो दुख कष्ट को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, देखना अपनी आप साथ दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं, बोले प्रसादे सर्व दुखानाम कथे अर्जुन, मेरे को भोग लगा करके जो खाएगा घर में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इतनी सी चीज लेकर के जाओ घर में जो खाएंगे, आप देखना बच्चे, बच्चे को खिलाओ, पति को खिलाओ, बच्चे का मन बदल जाएगा, पति का मन परिवर्तन हो जाएगा प्रसाद खाने से। कहते ना जैसे खाओगे अन्ना वैसे रहेगा मन, अगर ठाकुर जी प्रसाद खाओगे मन भी बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारे, बोले पुतना को सबसे पहले क्यों मारे, कारण क्या, भगवान राम किसको मारे आप बता सकते हो? भगवान कृष्ण तो पुतना को मारे, राम सबसे पहले किसको मारे, कारण को मारे। देखो दोनों प्रभु एक ही लीला की है। पुतना का मतलब क्या, बोले पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र अविद्या। बोले ताड़का का मतलब क्या, बोले ताड़ यति इति ताड़का, जीव को जो भगाता है, ताड़ना करता है, भगाता है। हमें कौन भगाता है, काम क्रोध लोभ मोह, यही हमें भगाते रहते हैं। मानो दोनों प्रभु एक ही लीला करके दिखाए, अगर मेरे को कोई हृदय में बैठाना चाहे तो क्या करो, पहले ये ताड़का को मारो, पहले ये पुतना को मारो, फिर तो तुम्हारी हृदय में मैं बैठ सकता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी हम लोग राधा रानी की कथा सुनेंगे, राधा रानी जन्म लेंगी, लेकिन उसको पहले हम एक एक माला जप कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने एक एक माला जप किया था, देखो हम क्यों माला जप करेंगे इसका कारण सुनो। ये भागवत में भगवान का नाम को बताया चिंतामणि, क्या नाम है, चिंतामणि का मतलब जानते हो, जो मांगो चिंतामणि वही दे देता है। एक उदाहरण देकर समझाए ये चीज को समझो, जैसे आप रास्ता में चल रहे हो, आपका हाथ में एक थैली है, लेकिन आपने देखा 100-100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं, आपका हाथ में खाली झोली थैली, आप बताओ क्या करो, आप बताओ, झोली आपके पास में एक थैली है खाली है, लेकिन 100-100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, किसका कोई मालिक नहीं, लेकिन आप क्या करोगे बताओ, कोई कुछ बोल नहीं है, आप उसको थैली में भरोगे, क्यों, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप चोरी नहीं कर रहे हो, उसका कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए थाली में जितना पारोगे ठोस ठोस कर भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, देखा 500 रुपया गड्डी का गड्डी पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारी थाली भर गया है, लेकिन 500 रुपया गड्डी का गड्डी भरा हुआ, बताओ भाई क्या करोगे, क्या करोगे, उसको खाली कर दोगे, 100-100 रुपया फेंक दो गड्डी की गड्डी, बाबा आप लोग बड़े धनी हो। इसलिए जब 500 रुपया की गड्डी की गड्डी, फिर 100 रुपया की क्या जरूरत, उसको फिर निकाल करके 500 रुपया करोगे, और थोड़ी दूर गए देखा 2000 गड्डी की गड्डी, फिर क्या करोगे, फिर 500 रुपया तो भी निकालोगे। देखो आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक बढ़िया चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, तभी मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। फिर उसको निकाल करके फिर 2000 रुपया की गड्डी की गड्डी फिर भरोगे, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, देखा हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे, 2000 गड्डी की गड्डी फिर निकालोगे, उसमें हीरे जवाहरात भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, आपको मिला है, आपको मिलेगा पारस पत्थर, नाम सुने हो, पारस मणि जो लोहे को भी सोना बना देती है। फिर थोड़ी दूर में गए, आपको पारस पत्थर मिला, फिर क्या करोगे बताओ, सारे हीरे जवाहरात को निकालोगे, क्यों, लोहे का और कितना कीमत, लोहे लाओ और उसमें टच कराओ, सोना बनते जाएगी, सोना बनते जाएगी, फिर हम उसको पारस पत्थर को ग्रहण करेंगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज,
बता सकते हो उसके कीमती चीज। भागवत में कहते श्यमं तत्मणि, हम आगे सुनेंगे। ये सूर्य देवता सत्राजित को दिया था, सत्राजित की बेटी का नाम सत्यभामा। उसमें रोज अष्टभार सुवर्ण, अपनी आप अष्टभार सुवर्ण सोने की चट्टान अपनी आप उससे निकलती है, जिसको श्यमंत मणि कहते हैं। फिर आप क्या करोगे, पारस पत्र को भी फेंकोगे? क्यों, उसको लोहे लाओ फिर तो सोना बनाएगा, इससे अपनी आप सोना बनती है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीजें मिली, जानते हो क्या है? उसको उसको बाद में मिला चिंतामणि। बोले चिंतामणि मतलब क्या, कभी जो श्यमंत मणि ये सोनाई देगा और कुछ नहीं दे सकता है। अगर बढ़िया बढ़िया खाने की पहनने की चीज वो नहीं दे सकता है, वो केवल आपको सोना ही देगा। लेकिन ये जो चिंतामणि है ना, जो चिंता करोगे जो मांगोगे वही ये चिंतामणि देगा। इसलिए भागवत में बताया कि जो भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है, मतलब जो मांगोगे हरि नाम से वही फल मिलेगा। शंकर जी के नाम जानते हो? कौन कौन शंकर जी का नाम सुने हो? जानते हो ये शंकर जी ये दुनिया को सब कुछ किसके बल पर देते हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले महामंत्र जेही जप तमहेसा। इसलिए शंकर जी तीन रात पंचमुह में ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। हनुमान जी का नाम जाने हो? कौन कौन हनुमान को जानते हो? हनुमान जी क्या करते हैं, बोले सुमेरी पवना सुत पा बननामु आपन बस करे राखे राम। हनुमान जी और कुछ नहीं, केवल प्रभु का नाम ही जप करते हैं। गणेश जी का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो गणेश जी को? आप लोगों को पता है गणेश जी की पहला पूजा क्यों होता है? देखो इसका पता चला क्यों सबसे पहला पूजा होता है। एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई। बोले मीटिंग क्या हुई? बोले ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहले जो आ जाएगी उसको सबसे पहला पूजा होगा। देखो अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो कितना कठिन है, लेकिन 33 करोड़ देवता में पहला पूजा कोई साधारण बात नहीं। बोले ये विश्व ब्रह्मांड को जो पहले परिक्रमा करके आएगी उसको पूजा होगी। कार्तिक तो अपना मयूर वाहन लेकर उड़ चले, ब्रह्मा जी हंस वाहन को लेकर उड़ चले, अपने अपने वाहन को लेकर सबके सब उड़ चले। क्यों? जो पहले घूम करके आएगा पहला पूजा होगी। अभी गणेश तो जहां के तहां बैठे हुए, गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अब ये चूहे को लेकर कहां जाए? इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम भगवान राम का नाम लिखो, तीन बार परिक्रमा कर लो। वो तो एक बार परिक्रमा करके पता नहीं कितने सालों में आएंगे, लेकिन भगवान को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भगवान को अंदर में तू एक एक, एक परिक्रमा एक ब्रह्मांड को नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड की परिक्रमा तुम्हारी तीन तीन बार हो जाएगा। एकदम उसकी गणेश की जय जयकार हो गई, जय जयकार गणेश की हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ गोस्वामी जी कहते हैं गणेश जी का पहले पूजा क्यों होती है? कारण यही है, महिमा जासु जान गणरायु प्रथम पूजिय त नाम प्रभाव। केवल नाम की प्रभाव से गणेश जी की पहला पूजा होता है। मैया देवी का नाम सुने हो? कौन कौन माँ देवी का नाम जानते हो? देखो एक समय माँ देवी शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए? शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम बरमे। शंकर कह रहे बोले पार्वती विष्णु सहस्र नाम को जो एक बार 1000 विष्णु सहस्र नाम करने से जो फल, एक बार राम नाम से वही फल है। तब से माँ पार्वती उनके 8 हाथ देखना एक माला है, सरस्वती के 4 हाथ देखना एक माला है, ब्रह्मा जी की 4 हाथ देखना एक माला है, हनुमान जी को देखना एक माला है, हैं? इसलिए सबके सब माला में जप करते हैं। प्रश्न है, बोले भैया माला में क्यों जप करें, ऐसे क्यों नहीं करें, हैं? ऐसे क्यों नहीं करें? माला मतलब होता है मां, मतलब मन, ला मतलब होता है ये मन को जो माया से खेच करके भगवान में ले आए, इसलिए इसका नाम माला है। माला से ये पता चलता है
हमने कितने प्रभु का नाम लिया, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उत्तर ही सारा। इसलिए माला से पता चलता, जैसे कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है, वो शाम को देखता कि नहीं भैया कितना लाभ कितना नुकसान हुआ, गिनाया करता कि नहीं। उसी तरह आज हमने कितने ठाकुर जी के नाम ली, भक्ति बढ़ी ना भक्ति हमारे घट गई, ये माला से पता चलता है। इसलिए संत लोग माला से जप करते हैं, ठीक है ना। इसलिए 5 मिनट एक माला जप करके, माला कहाँ है, माला दे दो, 5 मिनट एक माला जप करके फिर उसको बाद में राधा जी की कथा सुनेंगे, प्रसाद लेकर जाना। देखो कल है भागवत कथा में सबसे बड़ा उत्सव है, जानते हो कल कौन सा उत्सव है, बोले कल श्री गिरिराज महाराज की पूजा है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। देखो गिरिराज की कितने महिमा है, गिरिराज कौन कौन गए हैं गिरिराज, आप देखना गिरिराज को बताया ये सर्व अभिष्ट प्रदाता, ये गिरिराज को बताया सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब क्या, गिरिराज को जो कुछ मांगोगे गिरिराज सब पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, भैया क्या मांगेगा, जो मांगे वही दे देते हैं। आप लोग गिरिराज गए होंगे, देखना गिरिराज पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ, बोले क्यों, बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, आप गिरिराज शिला के ऊपर भी जितने शिला रख लोगे ना उतना मंजिली मकान दे देते हैं। अभी मैं बड़ों तो गया था कथा करने के लिए, एक व्यक्ति हमको बुला करके ले गए कथा करने के लिए ले गए, उसने बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने मकान बनाया 3 मंजिल की। वो मेरे को कह रहे हैं बोले महाराज जी मैं गिरिराज गया था और गिरिराज शिला के ऊपर 3 शिला रख करके आया, बोले ठाकुर जी मेरे को 3 मंजिल मकान दो, 1 साल में मेरी ये 3 मंजिल मेरी खड़ी हो गई। बोले गिरिराज इतने दयालु कलयुग में, आप देखे होंगे गिरिराज पेड़ में पेड़ में तो धागा बंधा हुआ, बोले क्यों, बोले जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं होती है जाकर तुम अभिषेक करो परिक्रमा करो, गिरिराज जी सब कुछ कर देते हैं, जिसकी नौकरी चाकरी नहीं सब कुछ। इसलिए आप जो गिरिराज गए देखे होंगे, आप जतिपुरा में देखे होंगे इतने दूध की अभिषेक होती है, जैसे नाली में जैसे पानी चलती है ना ऐसे दूध धारा जाती, बोले क्यों, कारण है जिसकी जो इच्छा पूरी हो जाते हैं ठाकुर जी आकर के उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं बताए अगर एक अन्न का दाना श्री गिरिराज में किसने दे दिया, केवल एक अन्न की दाना, भगवान कहते किसी जीवन में उसकी घर में अन्न वस्त्र के अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। गिरिराज की बड़ी महिमा, भगवान तो चले गए दुनिया से, केवल 3 चीज हमारे लिए छोड़ कर गए, बता सकते हो 3 चीज क्या है, एक श्री गिरिराज बाबा, दूसरी यमुना महारानी और तीसरी ब्रजभूमि। ये 3 चीज ठाकुर जी हम ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी छोड़ कर गए। इसलिए कलयुग में जो प्रकट देवता श्री गिरिराज बाबा है, जिनको कृष्ण स्वयं पूजा की, कृष्ण अभिषेक की, कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर उन्होंने परिक्रमा की, विश्व ब्रह्मांड जिस बांके बिहारी को पूजा करता है, बांके बिहारी स्वयं गिरिराज की उन्होंने पूजा की। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, ठीक है ना। कल हम लोग गिरिराज की पूजा करवाएंगे, आप लोग अपना घर से थोड़ा बहुत जैसे कोई फल हो नहीं तो कोई मिठाई हो, अगर बगैर प्याज लहसुन का थोड़ा हलवा कोई हो, पूरी हो, कोई कढ़ी हो, कोई जो बढ़िया बनाते हो ना थोड़ी सी बना कर लेकर के आना, गिरिराज की पूजा होगी, उसको बाद में प्रसाद घर आप लोगों को मिलेगा, वो प्रसाद घर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राम। एक माला करके फिर राधा रानी की कथा सुनेंगे, प्रसाद लेकर जाना, सबको फटाफट दो फटाफट दो, बीच में दे दो 2-4 माता, ज्यादा दे दो बांट दे, बांट दो तो माता जी बांट दो सबको, बांट दो सबको। अब ये माला है ना अब घर में लेकर के जाना नहीं, मेरे को वापस देना कथा के बाद में, मेरे को वापस ले जाना, क्योंकि अभी 2 दिन भी माला जप करेंगे, 2 दिन माला जप करेंगे फिर उसको बाद में दे दूंगा। हरे कृष्ण, सबको मिल गया माला, हरे कृष्ण। हाँ एक बार मेरे तरफ पे देखो, माला कैसे जप करो देख लो एक बार, आप तो सब जानते हो सीधा हाथ में उल्टा हाथ में नहीं, और ये जो अंगुल को स्पर्श छुलाते नहीं, बोले क्यों, ये सबसे पहले ये अंगुल निकलता हम तेरे को देख लेंगे, इसलिए अभिमान अहंकार का प्रतीक है।
इसलिए ये अंगुल को हम इसे बाहर निकाल कर रखते हैं। ये जो माला को बीच वाले अंगुल में रखना है, ठीक है। और देखो ये बीच में ये सुमेर सुमेर नहीं, ये राधा कृष्ण है। ये जो एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। मानो बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं। ये माला रूप में ठाकुर जी कलयुग में माला रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए ये माला को जैसे ये सुमेर को इधर रख करके एक तरफ से माला जप करना, करते करते जब यहाँ विश्वास खत्म हो जाती है फिर ये अंगुल को ऊपर में नहीं पार करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, ठीक है ना। इसलिए एक तरफ से जब पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे बोल करके उसमें एक मोती सरकेगा। पहले मैंने समझाया था ना, महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाए। भक्त लोग दुखी हो गए, बोले प्रभु जिंदगी में कभी लखपति बन ही नहीं सकते। क्यों? लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया तक भी नहीं, हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते हैं। महाप्रभु क्या समझाए? बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले 1,00,000 जो रोज ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसमें मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे उसको मला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो तादाद हुए। असली धन है ठाकुर जी के नाम पर। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है। इसलिए सबके सब आंख बंद कर लो, सब जो हम वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरण में हम बैठ करके भगवान के नाम जप कर रहे हैं, ठीक है ना। आंख बंद कर बैठ जाओ, देखना जितने हम यहाँ पर कितने भक्त होंगे, करके 200 भक्त 250 होंगे। माला तो आप एक करोगे लेकिन आपको 250 माला करने का फल मिलेगा, मतलब है आपको 4,00,000 नाम हो जाएंगे। क्यों? जब सबके सब बोलेंगे सभी की आवाज हमारे कान में जाएंगे। इसलिए माला तो एक करोगे लेकिन 400 माला करने का फल मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आज समझा 4,00,000 पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। और अगले दिन बढ़त सवाए, अगर दूसरे दिन 1,00,000 हो जाएगी। हाँ, ये ऐसे ही धन है। इसलिए आंख बंद कर लो और सबके सब जप करना, क्योंकि जो जप नहीं करेगा ना, जो जप करेगा उसको तो पाप उड़ी जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो जप नहीं करेगा। इसलिए सबके सब जप करना, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक बोल सकेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 माला पूरी हो गई ना माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा सर, इसलिए मैं अपने आप आपको माला दूंगा, ठीक है सर? माला ले आप, दो चार भक्त खड़े होकर के माला को एकत्र कर दो। हमारी रोहिणी नंदन है क्या? रोहिणी हरे कृष्ण, सबके सब माला एक कटे कर लो, सबके सबके सब बैठ जाए। श्रीमती राधा रानी की जय।
गुरु गौरचंद्र ने राधिका तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय नमो नमः नमो विश्व पदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी की नामिनो सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात पूज्यपाद अभ्यासाशी पूज्यपाद भक्तिवेदान्त श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों श्रोत मंडली को मेरा यथा योग्य प्रणाम। जो यहाँ पे पहली बार जो इस गौड़िया समाज जो हमारा गौड़िया वैष्णव जो फिलोसफी है या ये जो बातें हैं जो पहली बार सुन रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं, काफी लोग हैं। आपको ये पता ही होगा इस स्थान का नाम क्या है जहां हम बैठे हैं, क्या है? सनातन धर्म मंदिर है ना, सनातन धर्म मंदिर। ये सनातन धर्म है क्या, कभी सोचा? भाई किसी ने क्रिश्चियन बना दिया, किसी ने सिख बना दिया, किसी ने मुस्लिम धर्म बना दिया, अनेक अनेक नाम रखे हुए हैं और हम भी एक के पीछे भाग रहे हैं जिसका नाम क्या है, सनातन धर्म। भाई इसी घर इस बगल में एक घर में जन्म हुआ और हम भी किसी हिंदू के घर में हो गए तो इस मंदिर में आने लगे। हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने हमें बताया बड़े सुंदर तरीके से कि ये है क्या। सबसे पहले समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबसे पहले समझेंगे ये धर्म शब्द है क्या। सनातन पे बाद में जाएंगे, पहले ये धर्म शब्द है क्या। आज अगर मेरा हिंदू परिवार में जन्म हो गया तो मैं हिंदू हो गया, या सिख में हो गया तो सिख हो गया। आज की डेट में अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई तो आप किसके साइड हो? पाकिस्तान के साथ हो गए ना आप, क्यों? मर के कल को पाकिस्तान में जन्म हो गया फिर किसकी साइड में हो गए? फिर पाकिस्तान के साइड में हो गए। तो ये ऐसी क्या चीज है कि यहां जन्म हो गया तो यहां लुढ़क गए, वहां जन्म हुआ वहां लुढ़क गए, कोई नित्यता है ही नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव ने हमें समझाया पहले ये धर्म शब्द का अर्थ समझो। धर्म क्या है? धार्यतीति धर्म, कि जब भी एक वस्तु बनती है, कोई भी चीज बनती है, उसके साथ उसका गुण बनता है जिससे उस वस्तु की पहचान होती है, तो उस गुण की वजह से और उसी गुण को क्या कहेंगे जिससे उस वस्तु का सही सही पहचान हो, उससे क्या कहेंगे हम उस वस्तु का धर्म कहते हैं। समझ में आई ये बात? अग्नि आग, उसका क्या गुण है जिससे हम पहचानेंगे, जलाते हैं, ठीक है ना। आजकल शादी ब्याहों में वो पंडालों में बाहर वो कपड़े के ऐसे टुकड़े होते हैं, लाइट लगा रखी होती है, हवा चला रखी होती है, दूर से क्या लगता है आग लग रही है, अंदर हालांकि आग लगने वाली है पर वो बाहर से क्या है, वो नकली आग है, उसमें हाथ डालोगे हाथ जलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? जलाने वाला। तो जो भी चीज जलाती है उसको हम क्या कहते हैं? आग, ठीक है ना। तो अग्नि का धर्म क्या हुआ? जलाना। तो इसका मतलब धर्म शब्द का अर्थ हमें समझ में आया, वो गुण जो उस वस्तु के साथ हमेशा रहेगा। अगर हमने उस वस्तु में से उस गुण को निकाल दिया तो उसका धर्म खत्म हो गया। तो ऐसे ही अब हम अपने आप पे आते हैं। आज अगर मैं हिंदू घर में हो गया तो मेरा हिंदू धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म में हो गया क्रिश्चियन धर्म हो गया। ये कौन से धर्म है? ये शरीर के धर्म है। क्यों? क्योंकि ये शरीर कहां पैदा हुआ? हिंदू के घर। ये शरीर कहां पैदा हुआ? मुसलमान के घर। ये शरीर कहां पैदा हुआ? क्रिश्चियन के घर। तो ये कौन सा धर्म है? ये सारे जो धर्म बना रखे हैं, नाम दे रखे हैं, कौन से हैं? शरीर के। और हम शरीर है नहीं, इतने दिन से सुन रहे हैं, भगवद गीता भी यही कह रही है, भगवान उसमें यही समझा रहे हैं। तो हम क्या है? आत्मा। तो इसका मतलब है अब जो धर्म की बात हम करेंगे, हम किसके धर्म की बात करेंगे? आत्मा के धर्म की। तो आत्मा का धर्म कैसा होगा? चाहे वो कैसा भी शरीर धारण करेगी, उसका धर्म कभी नहीं बदलने वाला। समझ में आई ये बात? अब आते हैं सनातन धर्म पे। शब्द क्या है? सनातन।
तो सनातन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ नहीं, सनातन को इंग्लिश में बोल देता हूं, बड़ी जल्दी समझ में आएगा। इटर्नल, जो था है और रहेगा, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो कितना सुंदर धर्म है हमारा, क्या नाम है उसका? सनातन धर्म। जो था है और रहेगा, आत्मा थी है और रहेगी। तो ये वो धर्म की बात कर रहे हैं जो सदा आत्मा के साथ चलता रहेगा। तो आत्मा कभी मर सकती है? भगवद गीता में हमने सुना भी ना, वांसा जी जीर्णानी है तो बेहाय, या अनेक अनेक श्लोक जो सुने हुए हैं कि क्या आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो आत्मा भी क्या हो गई? सनातन। ठीक है। और दूसरी चीज हमने सुनी है, भगवान क्या है? ममेर वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव मेरा ही अंश है। भगवान खुद सनातन है, थे हैं और रहेंगे। जीव उन्हीं का अंश है, या आत्मा उन्हीं का अंश है, इसलिए वो भी थी है और रहेगी। तो भगवान सनातन और जीव सनातन। तो अब इस जीव का, इस आत्मा का धर्म क्या है? जैसे माता पिता से ही पुत्र होता है, मतलब पुत्र क्या होता है? माता पिता का अंश है। तो उस हिसाब से उस पुत्र का या पुत्री की क्या एक ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनकी सेवा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ममेर वंशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। तो अंश होने के नाते उसका क्या धर्म बना? भगवान की सेवा करना। तो भगवान सनातन, ये आत्मा सनातन। तो ये जो सनातन आत्मा है, इसका धर्म क्या हुआ? उस सनातन भगवान की सेवा। तो ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि उस सनातन भगवान की सेवा में हमें लगना है। अब सुनो, अब हमने ये तो कह दिया कि जीव का गुण क्या है? सेवा करना। ठीक है। अब खुद ही सोच लो, चाहे मैं उसको कितना भी ढक दूं, किसी भी आग को मैं चाहे कपड़े में ढक दूं, कुछ भी ढक दूं, वो जलाने वाला गुण उसके अंदर रहेगा। वैसे ही अपने अंदर अब झांक के देखना कि मुझे ये कपड़ा तो मिला, ये शरीर तो कोई सा भी मिल गया, पर क्या वो आत्मा के अंदर जो उसका धर्म है, जो उसका गुण है, कौन सा? सेवा करने का, क्या खत्म हो गया? क्या अगर खत्म हो जाएगा तो आत्मा खत्म? तो खुद देखना, क्या आज की डेट में हम सेवा नहीं कर रहे? कर रहे हैं। सास कहती है बहू से तू मेरी सेवा कर, बहू कहती है सास से तू मेरी कर। हम सब सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो हम कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। जिस कुत्ते को घुमाने लेके जाते हो, वो कुत्ता क्या सोच रहा है? ये मेरी सेवा कर रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं? ये कुत्ता मेरी सेवा कर रहा है। कुत्ते के अंदर भी गुण है सेवा करने का, सबके अंदर। तो वो आत्मा के अंदर वो गुण सेवा का कभी नहीं जाएगा। तुम महाराज जी श्री गुरुदेव और जितने भी वैष्णव आते हैं, ये हमें क्या सिखाने आए हैं, क्या समझाने आए हैं कि अपने उस असली सनातन धर्म को जान लो, समझ लो, और जितनी जल्दी से उस पे आ जाओगे तभी आपको क्या होगा, वो वास्तविक सुख मिलेगा। पहला प्रश्न क्या पूछा था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो अब इस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जब वो उस सेवा में लगेगा। अभी तक हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं? यहाँ पे मतलब ऐसी ऐसी माता बैठी, वो दादी की उम्र में की है मेरी। आप बताओ, आज तक जीवन में कह सकते हो कि एक आदमी को मैंने खुश कर दिया है सेवा करके? कोई मिला? और किसी ने मुझे खुश कर दिया हो या मैंने किसी को खुश कर दिया हो? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम गलत सेवा में लगे हुए हैं। अगर हम उस सनातन भगवान की सेवा में लग गए तो क्या होगा? तब इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसीलिए ये हमारा सनातन धर्म इतना सुंदर जो है, वो हमें ये सिखा रहा है कि इस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कि जब ये आत्मा जिसका अंश है, भगवान का अंश है, उसकी सेवा में लगेगी ना, तब जाके शांति मिलेगी। और इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जाओ इस हरि नाम को करो, जैसा महाराज जी कह रहे हैं, भोग लगा के प्रसाद पाओ। आप खुद एक महीने तक अपने हाथ से बनाना,
भगवान को भोग लगा के खाना, एक महीने में आपके मन में अचानक से ना शांति आ जाएगी। और 31वें दिन बाहर का कुछ खा लेते बिना भोग लगाया हुआ, आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि अभी तक इतना मन शांत था, आज कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे गुस्सा सा आ रहा है, या बड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ कर दूं किसी का किसी को बिगाड़ दूं, किसी का सर फोड़ दूं, ऐसे ऐसे विचार आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अजीब सा अन्न खा लिया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप खुद करके सह सकते हैं। तो इसीलिए इसी सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए श्रील गुरुदेव आए, श्रील महाराज जी यहाँ पे आए हैं। हम जहाँ बैठे हैं जिस मंदिर में, हमें आज तक इस स्थान के नाम का अच्छे से ढंग से पता नहीं था, आज हमें पता चल गया है, इस भागवतम में हमें समझाया जा रहा है, तो क्या हम उस सेवा में लगेंगे? शांति किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो इसीलिए इस सनातन धर्म का अच्छे से पालन करेंगे। और देखो एक और बात बताऊं, हमारे जो एक इस्कॉन का नाम सुना होगा, उसके स्वामी भक्ति वेदांत श्रील स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो आज की डेट में पॉल्यूशन फैला हुआ है, चारों तरफ पॉल्यूशन फैला हुआ है, ठीक है? कैसा पॉल्यूशन फैला हुआ है? घी शुद्ध मिल रहा है? नहीं। कुछ खाने पीने की पानी भी शुद्ध नहीं है। हम हर जगह दुकान पे जाते हैं तो क्या पहले पूछते हैं? एक पीने वाले पानी की देना। तो ये पीने वाला पानी बोलने से मतलब क्या कि भैया प्योर वाटर चाहिए हमें, यार प्योर घी चाहिए, तो प्योर चीजें की तलाश चल रही है, मतलब इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है। ऐसे ही वो कह रहे हैं वातावरण में एक अलग तरीके का पॉल्यूशन और फैला हुआ है, उस पॉल्यूशन को क्या कहते हैं? निंदा चुगली पॉल्यूशन, नेगेटिविटी पॉल्यूशन, डिप्रेशन का पॉल्यूशन है या नहीं है, टेंशन का पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन है नहीं है, ये पॉल्यूशन सीधा कहां अटैक कर रहा है? मतलब एक अच्छा खासा आदमी एक घंटे के अंदर ही सुसाइड कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पॉल्यूशन इतनी जल्दी अटैक मारता है कि वो क्या करता है, डिप्रेशन में आके सीधा सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे पॉल्यूशन से निपटने के लिए वो क्या कहते हैं स्वामी प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं कि ये नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं पूरी चारों तरफ। अब इन नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए ये हरिनाम महामंत्र की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, आप इससे उसको आराम से रिमूव कर सकते हो, आराम से हटा सकते हो। तो इसीलिए देखो ये नाम कितना पावरफुल है, ये तो बहुत छोटी सी चीज कर रहा है कि ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, टेंशन डिप्रेशन, इससे क्या होगा, आपका बीपी शुगर ये सब यूं चला जाएगा, डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बीपी शुगर और इसके नाम पे आजकल बड़ा पैसे लूट रहे हैं, और ये सब क्या है, कोई बीमारियां नहीं है, ये इसी नेगेटिव वाइब्रेशन से ही फैल रही है। तो इन नेगेटिव वाइब्रेशन से भी बचने के लिए इस हरिनाम को करो। हालांकि ये हरिनाम इस चीज के लिए नहीं है, ये तो उसका जैसे होगा ना कि आग जलाई, आग तो मेन हम किस लिए जला रहे हैं, खाना बनाने के लिए, पर कभी कभी क्या होता है उससे थोड़ी सी रोशनी भी हो जाती है किचन में, तो वैसे ये हरिनाम का साइड बाय साइड का प्रोडक्ट है कि ये सारी ये नेगेटिव वाइब्रेशन से बता लेगा। और सोचो इनसे बचाता हुआ आपको कहां ले जाएगा, भगवान की सेवा में लगा देगा। तो इसीलिए जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि ये नाम करो, भगवान को जो भी हम खाएं भगवान को भोग लगाकर खाएं, ताकि उसमें किसी तरीके का पाप ना रहे, और फिर हम क्या करेंगे, हम शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगे। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोल श्री राधा रानी की जय, बोल श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। अभी श्री राधा रानी जन्म ले, देखो आप लोग कौन कौन वृंदावन गए हो, सब गए। आप कहना वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोला और जोर से, सबके सब वृंदावन में श्री राधा जी का नाम लेते हैं, सबके सब वृंदावन में। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, बोले भैया आप तो खूब राधे राधे बोलते हो, लेकिन ये श्रीमद भागवत में कहीं राधा जी का नाम है ही नहीं, और तुम लोग बड़े राधे 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 बोलते रहते हो। कुछ लोगों का ये प्रश्न, अब लोग इसका समाधान सुनो। माता जी चुप बैठो, नीचे बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ, अब कोई कथा नहीं सुने, आप देख रहे हैं 5 मिनट बाद में राधा रानी आएगी, पूरा सामने आ जाएगा, ठीक है? देखो एक अच्छी बात सुनो,
इसलिए सारा दुनिया कहते हैं बोले भैया तुम लोग इतने राधे 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 बोलते हो, लेकिन ये भागवत में तो राधा जी का नाम है ही नहीं, तभी राधा रानी कहाँ से आ गई। लेकिन हमारे महाप्रभु कहते हैं बोले भैया भागवत में राधा जी को छोड़ कर और कुछ है ही नहीं, इसमें केवल राधा ही राधा ही है। आप लोग बताओ जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं ये ग्रंथ का नाम क्या बता, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा जोर से बोला, केवल भागवत नहीं, इसका नाम श्रीमद भागवत। बोले श्रीमद का मतलब क्या, श्री मतलब राधा रानी, श्री मतलब लक्ष्मी, और मूल लक्ष्मी कौन है, श्री राधा रानी, मद मतलब प्रेम। ये भागवत नहीं, ये राधा रानी का प्रेम है। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, राधा रानी का प्रेम की बात सुन रहे हैं। एक उदाहरण दिया, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, लेकिन पैसा किसको देता है, सेठा को। वो सेठा थी अलमीरा में हीरे चांदी लाख लाख रुपया की गड्डी की गड्डी उसको अलमीरा में सजा सजा कर रखती है। एक दिन उसने बाबरी बन गई, पागली में हो गई, जितने पैसा हीरे जवाहरात था उसने उसको लेकर छत के ऊपर में गई और उसने लुटाना शुरू कर दी, और जितने दुखी दरिद्र थे ना वो लाख लाख रुपया गड्डी की गड्डी हीरे जवाहरात उठाए और सबके सब माला माला हो गए। बोले भैया वो सेठ सेठ कौन है, कहते वो सेठ कौन है, बोले ये सावरिया सेठ है। बोले सेठानी कौन है, बोलो सेठानी कौन है, बोले श्री राधा रानी। कृष्ण सेठ तो पैसा कमाता है लेकिन जितने धन दौलत सेठानी के पास में रहती है, राधा जी के पास में। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, और जितने धन दौलत कृष्ण जितने कमा कमा कर रखे थे ना छत गोबर में गई और उसने लुटाना शुरू की, और लुटाना शुरू की किस चीज को लुटाई, बोले कृष्ण प्रेम को। असली धन कौन है, कृष्ण प्रेम ही असली धन है। कहते आप भागवत नहीं सुन रहे हो, ये राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है, जब कृष्ण प्रेम को लुटाती है, यही श्रीमद भागवत है। राधा रानी प्रेम में ये कृष्ण कथा को लुटा रही है। हम लोग कौन है, कृष्ण प्रेम के जो गरीब है, कृष्ण प्रेम के कंगाल, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, कृष्ण प्रेम को लुटा रहे हैं, और एक दिन हम सबके सब मालामाल हो जाएंगे, सबके सब राधा कृष्ण प्रेम में धनी बन जाएंगे। इसलिए ये भागवत नहीं, कभी ये श्रीमद है, ये राधा रानी की प्रेम भी यहाँ पर लुट रहा है। प्रश्न है अरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम क्यों नहीं दिया, तब इसका रहस्य सुनो। इसलिए उन्होंने क्यों राधा जी का नाम नहीं लिया, हमारे संतों ने चार पांच कारण बताया। पहला कारण बताए, जब श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी का एक बार नाम लेते थे वो छह महीना तक बेहोश हो जाते थे, क्योंकि राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी, उन्होंने देखा अगर छह महीना राधा जी का नाम लेकर बेहोश हो जाओ और मेरे पास में कुल सात थी, पर ये भागवत कथा कैसे सुनाओ, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को नहीं लिया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताए, आप लोग हाथों में मेहंदी लगाते हो, कौन कौन मेहंदी लगाते हो आप बताओ, मेहंदी पत्ते देखे हो, बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे, हरा है, लेकिन वो क्या हरा है, फिर क्या है, लाल, लेकिन ऊपर से क्या लगती है, हरा हरा, लेकिन उसको पीसो तभी तक हरा हरा लगेगा, लेकिन जब हाथ में लगा लेते हो ना जब सूख जाती है कौन सा रंग हो जाता है, लाल, इतने लाल होता है ना महीना तक लाल रंग नहीं छोड़ती, उसी तरह ऊपर ऊपर लगता है हरा हरा, हरा मतलब कृष्ण कृष्ण, लेकिन अंदर में क्या, लाल लाल, लाल लाल मतलब राधा राधा। इसलिए राधा रानी कौन है, बल आत्मा तो राधिका है, वो कृष्ण का आत्मा कौन है, श्री कृष्ण, ऊपर में तो दिखता दिखता कृष्ण कृष्ण लेकिन अंदर में श्री राधे राधे। और तीसरा कारण बताए, बोले जो कृष्ण कथा है कृष्ण भक्ति, कहते जैसे एक बहाता हुआ नदी, जैसे बहते हुए नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर इंसान सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में पानी हो वो कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं, जिसको पास रस्सी कोई पात्र हो ना केवल वही वो पानी कुएं का पानी पी सकता है, नदी का पानी सबके सब पी सकते हैं, नदी में गैया भी स्नान कर रहे हैं, इंसान भी स्नान कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, नदी पानी पवित्र नहीं सब कुछ बह रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी देखना ठंडा, उसमें एकदम निर्मल है, ठंडा और निर्मल है। उसी तरह कहते जो राधा जी की जो कुएं का पानी मतलब राधा जी की भक्ति वो निर्मल है, लेकिन कौन पी सकता है,
रस्सी अगर पात्र हो ना तभी डाल कर पी सकते। बोले इसका मतलब क्या? बोले मतलब है जब तक हम किसी रस्सी की परंपरा से नहीं जुड़े, जिस परंपरा में राधा जी की भक्ति हो रही है, जो राधा जी को प्रेम कर रहे हैं, जब तक उसी संप्रदाय से नहीं जुड़े, भैया राधे राधे बोलने से राधा रानी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना पड़ेगा। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, वैष्णव संप्रदाय में नहीं जुड़ेंगे तो भैया भक्ति मिलने वाली नहीं। हम ऐसे एक साधु से मिले जो राधा रानी मुझे मतलब नहीं, तो भगवान निराकार निर्विशेष की पूजा कर रहे हैं, वो क्या भरे हमें राधा जी की भक्ति दे। जो राधा जी की भक्ति कर रहे हैं वो तो हमें राधा जी की भक्ति देंगे ना। इसलिए हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा की जरूरत है जिसमें एक निष्ठ राधा जी की भक्ति हो रही है। हाँ, ये तीसरा कारण। चौथा कारण बताए, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे तब राधा रानी से प्रार्थना किया। बोले हे राधे तुम्हारे नाम को किस रूप में लूं? राधा रानी स्वयं कहती है स्पष्ट रूप में नहीं लेना, मेरे नाम को छुपा कर लेना, क्योंकि कोई चीज छुपा हुआ रहता है ना उसका प्रेम माधुर्य रहता है। जैसे पिपरमेंट से उसका ठिपी खोल तो पेड़ फूट जाए, उसी तरह राधा रानी की भक्ति दुर्लभ भक्ति है। दुर्लभ भक्ति से राधा जी का भक्ति। बोले श्रीमती राधा रानी, अभी राधा रानी जन्म लेगी। देखो श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा था जिसका नाम श्रीदा मकरिया, घर में कोई बेटी नहीं थी। अभी वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में एक लाली जरूरत, बेटी की जरूरत है, क्योंकि इधर सुना घर में जब कोई बेटी आई ना देखना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई घर में, लेकिन बेटा आए तो कोई देता है नारायण आया है, कोई बोलता है नहीं। घर में बेटी आए ना कहते दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी आई है। आप देखना जो कन्या दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया और कन्या का पक्ष का हाथ ऊंचा रहता है और लड़के वालों का हाथ नीचा रहता है। इसलिए देखना जब बेटी की शादी होती है वो मंत्र पढ़ते हैं लक्ष्मी स्वरूपा मान करके बेटी की दान दी जाती है। इसलिए कन्या दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानी गई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या जानते हो, अगर पता चले पेट में कोई बेटी आ गई ना मार दो, लेकिन बेटा आए तो उसको रक्षा करो, अगर बेटी आई तो मार दे। इसलिए सरकार कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दुनिया कहते है ना। इसलिए भैया बेटी है ना, देखो जब पिता बाहर जा रहे हो बेटा बोलेगा पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, बेटा क्या बोलेगा पिताजी मेरे लिए क्या लाओगे, बेटी क्या बोलेगी बोले पिताजी कब आओगे, पिताजी कब आओगे। देखना बेटी शादी होकर चली गई अपना ससुर घर, देखना वहीं से खबर लेती है मेरे पिताजी कैसे है मेरे भैया कैसे। मैं बहुत सारी जगह में जाता हूँ, लास्ट में मैंने बहुत सारी जगह में देखा जब बेटा की शादी हो जाती है ना, पिता माता जन्म दिया लालन पालन किया लिखाया पढ़ाया जितने के भर किया, लेकिन घर में जब घर में की बहू आ गई एक रात में ऐसे मंत्र दी उसको काट में, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, बुद्धि खराब। हमने बहुत सारी जगह में देखा है, बहुत सारी जगह निकाल दिया पिता माता को, खाना नहीं खिलते थे पूछते नहीं, लास्ट में जाकर को पिता माता बेटी को पास में सहारा लेते हैं। मैंने बहुत सारी जगह में देखा है बेटी ही लेकर के पिता माता को आश्रय देती है। इसलिए बेटा आए और बेटी आए दोनों को बराबर माना। देखो अगर माताएं नहीं होएगी, चाचा चाची नाती पोती पिता माता कोई बनेंगे, ये कहाँ से बनते, माताओं से बनती है। इसलिए माता की जो स्वरूप है जगदम्बा जगत जननी स्वरूप माता को देती है। इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में देखे बेटा है या नहीं, घर में एक बेटी की जरूरत है, घर में बेटी आनी चाहिए तब तो पूरा होगा ना। इसलिए वृषभानंद महाराज रोज जाते थे स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में, देखा कि सतत कमल फूल को ऊपर में एक बड़ी सुंदरी एक किशोरी है अपना अंगूठा को चूसते हुए शरीर का ज्योति से चतुर्दिव उद्भासित हो रहा था और बहत 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 आ रही है। इतने में वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और वो लाली को उन्होंने गोद में ले लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी जयकार नहीं दे रहे हो, देखो राधा रानी सर्वलक्ष्मी, जो जितने जोर से राधा रानी की जय देगा ना घर में उतना माल आए लक्ष्मी आएगी, क्यों राधा रानी मूल लक्ष्मी से राधा रानी है ना। बोले श्रीमती राधा रानी अभी लग रहा है राधा रानी की कथा बोलेगी। इसलिए उन्होंने अपना
कृतिका सुंदरी को जो बोले कीर्ति दे ठाकुर जी को देखो, हम सोच रहे थे घर में के लाली आए, देखो ठाकुर जी कैसे लाली दिए हैं। अभी उन्होंने बड़ी आदर पूर्वक लाली को लालन पालन कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में आ गए, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं, वो अपना शक्ति को साथ में आ गए। नारद जी घूम रहे इधर उधर, तब घूमते घामते जब श्री वृषभानंद महाराज जी घर में आए, बोले घर में कोई लाली भाई, बोले कहते लाला, बोले लाली भाई की नहीं, बोले हाँ, बोले ले आओ। ला करके दिखाया तो अरे इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो कृष्ण की लालिनी शक्ति, परा शक्ति, राधा रानी कृष्ण के स्वरूप शक्ति। अभी नारद जी सोच रहे हैं थोड़ी सी इनको स्तुति करें, लेकिन ये तो सोच रहे हैं हमारी लाली, उन्होंने बहाना बनाया, जाओ कुछ फूल लेकर के आओ, लाली को मैं स्वस्ति वाचन में पढ़ करके आशीर्वाद दूंगा। जब वो अंदर में चले गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, ललिता विशाखा सखी प्रकट हो गई। इतने में नारद जी को ललिता कहती है, क्या देख रहे हो, राधा रानी अंदर ध्यान हो जाए, स्तुति करो। तब से नारद जी बड़ी सुंदर स्तुति की। देखो ये स्तुति का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर ये स्तोत्र को कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार पढ़ ले, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती है। इतनी ये स्तुति की महिमा है, जरूर उसको पढ़कर राधा जी की कृपा होगी। और राधा जी की कृपा होगी ना, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी जितने देवियां अपने आप प्रसन्न हो जाती। क्यों? भगवान की जो मूल शक्ति श्री ईश्वरी जी। अभी मैं दो श्लोक बोलता हूँ, ले आओ राधा रानी, उसको पर चुनरी ढक, चुनरी ढक करके ले आओ। कन्या को लेकर के आए राधा रानी जिस पलंग के ऊपर में लेट हुई थी, उन्होंने कृष्ण को ला करके उन्होंने उसी पलंग के ऊपर में कृष्ण को लेटा दिया। जब कृष्ण को लेटा दिया, इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ उन्होंने श्री राधा रानी को ऊपर हाथ रख लेते हैं। अभी राधा रानी को ऊपर कृष्ण हाथ रखते ही कृष्ण की कोमल हाथ को पा करके राधा रानी को पता चला मेरे प्रियतम आ गए हैं। इतने में से राधा रानी आंख खोल देती। जब आंख खोल दिए वृषभानंद महाराज तो प्रसन्न थे, लाली भाई। लेकिन उन्होंने जब देखा राधा रानी आंख खोल दिया, फिर तो वृषभानंद महाराज प्रसन्न हो गए और बड़ी धूमधाम से उन्होंने श्री राधा रानी की जन्म उत्सव मनाए। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर भजन गाएंगे। देखो राधा रानी की जन्म उत्सव में जो नाचे गाना, लक्ष्मी की बड़ी कृपा हो, घर में खूब माल आएगा, खूब पैसा आएगा। क्यों? राधा रानी मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी। अभी प्रभु जी भजन गाएंगे। और देखो कल श्री गिरिराज की पूजा है ना, कल गिरिराज की पूजा है, इसलिए सब कुछ ना कुछ अपना घर से बना करके ठाकुर के लिए लाना लाएंगे। अभी जो नाच सके राधा रानी जन्म उत्सव हो नाचे, ठीक है? बोल राधा रानी की, बोल बरसाने वाली।